सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और नए चीड़ फाइव के गाइस ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर। सो गाइस, जल्दी से जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो लोग भी गाइस चैनल पर पुराने भी है ना, वो लोग भी जाके फटाफट से ना बेल आइकन को ऑल पे कर दो, जिससे आप सभी को नई वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और जो लोग पुराने हैं वो लोग तो गाइस जल्दी से जाकर ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो। तो गाइस, हम लोग ना अभी फटाफट से ना गाइस रीकैप के बारे में बात कर लेते हैं। रीकैप में गाइस आप सभी को पता है कि यार अपना जो माइकल है ना, अपना जो AK गाइस, इसकी गाइस फैंटम ना वहाँ पर ना पुलिस वालों ने तोड़ फोड़ दी थी, इसलिए गाइस हमने ना मैकेनिक को दे रखी थी ठीक होने के लिए। एंड वहाँ पर देखो अभी भी इसकी ना फैंटम वहीं पर ही है। एंड वहाँ से ना हमें कुछ काम था तो इसलिए हम वहाँ से निकल गए। एंड वहाँ पर जब हम कॉफ़ी शॉप एक स्टारबक्स था ना जहाँ पर मुझे लेकर गया, वहाँ पर जब हम लोग गए ना, वहाँ पर गाइस क्या सीन हुआ, हमें पता लगा कि यार अमांडा जो है ना इसकी, ये थोड़ी ना उस इसको सस्पिशियस ही लग रही है। वो मतलब सही लड़की नहीं लग रही, मतलब अमांडा लग भी रही है नहीं भी लग रही, या अमांडा का गाइस बेरूपिया है, ठीक है। ये हम लोगों को ना थोड़ा डाउट वगैरह ना पड़ गया था। और गाइस ये सही बताओ ना, ये बात सच भी निकली जब हमने ना उसकी गाइस कुंडली वगैरह निकलवाई, जिस हिसाब से गाइस हमने फाइट वगैरह की ना उसका पीछा करके, वहाँ पर हमें पता लगा कि गाइस वो तो नकली अमांडा है, कुछ और ही है जो गाइस अपना इसी के दुश्मन ने भेज रखी थी वहाँ पर, ठीक है, इसके घर पर इसका बेच लेने के लिए। अब गाइस हम लोग ना देखो यार अमांडा को तो पकड़ना था, इसी चक्कर में ना गाइस हम एक लोकेशन पर पहुंच गए जो गाइस पता नहीं गाइस बदास के बंदों की थी। वहां पर गाइस बहुत फाइट हुई, बहुत ज़्यादा ही कुछ फाइट हुई, बट वहां से हम ना बच गए थे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या सीन हुआ ना, मतलब जो इसके ना एक रॉथस्चाइल्ड फैमिली है ना, उन लोगों ने ना इसको ना एक सेल दिया था जो गाइस हमें इसने ना क्या कहते हैं इसके दुश्मन के घर के नीचे लगाना था वो, बट ना पुलिस वालों ने ले लिया था इससे। तो इसी जगह से क्या सीन हुआ ना, हमें ना ये चुराना था और ये ना सेल पहुंच चुका था किसी बड़े वाले का इस पुलिस स्टेशन के अंदर। वहाँ से हमने गाइस चुराया सेल वगैरह एंड वहाँ से भाई इतने पुलिस हमारे पीछे पड़ गई थी ना, हमने पता नहीं क्या ही कर दिया था, बट यार फाइनली हम वहाँ से बचे। एंड गाइस अब बच करना गाइस इस पलीटो बे के छोटे से शहर में हम पहुँच चुके हैं छुप कर, बाकी यहाँ पर AK आप सभी के सामने ही खड़ा हुआ है। अभी हमें ना यहाँ से निकलना पड़ेगा, बट हमें पता नहीं गाइस यहाँ से निकलना कैसे है, वो तो गाइस AK ही बता सकते हैं। हाँ भाई कैसे निकलना यार यहाँ से तू बता। वो बताता हूँ मैं, बताता हूँ, रुक जाओ। चल ठीक है गाइस, अब इसको सोचने दो यार, मैं भी सोचता हूँ कि हम यहाँ से निकलें कैसे, बोट के थ्रू निकले, गाड़ी के थ्रू निकले, अब ये ही सोचेगा और मैं भी सोचता हूँ। तो यार लेट्स सी अब क्या बताता है ये माइकल, जल्दी आ यार, भाग भाग के क्या कर रहा है। अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ, क्या क्या हुआ, क्या सोचा तूने, कहाँ पर कैसे निकलना है यहाँ से। अब मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, यहाँ पर ना एक बंदा है, रुक जा से बात करके देखता हूँ मैं। पी रखी है और ये यार बोल रहा है कि तुम दोनों सेम सेम हो, ये कैसे मैं जाकर लोगों को बता दूंगा। अब तेरी तेरी रुक 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 अबे अरे नहीं 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 अबे भाग रहा है भाग रहा है, अरे गन देख के भागने लगा तेरी, मार दी मार दी मार दी मार दी मार दी मार दी मार दी, रुक जा मार दी मैंने, क्या तेरी ऐसी की तेरी। अबे इसी की टैक्सी लेके भाग गए थे, आजा 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 निकल निकल, इसकी टैक्सी नहीं लेकर जा सकते, पुलिस वाली देख लेंगे। अबे भाई टैक्सी को कौन रोकता है यार, टैक्सी भाई गवर्नमेंट की है, कुछ नहीं होगा, आजा आजा। मैं नहीं 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 भाई मैं नहीं जा सकता टैक्सी में, सो सॉरी। वैन में चलना के सामने खड़ी विजन उसकी बता। एक काम कर तू हाँ? टैक्सी में चल, मैं वैन में चल रहा हूँ, तू मेरे पीछे पीछे रह। एक सेकंड रुक, ये हाँ? गाड़ी हॉर्न के बार पर बजा रही है, क्या हुआ मैं पता नहीं, BMW भाई या BMW में जाएं किस में जाएं बता। छोड़ छोड़ तू फालतू की वो मत कर, मैं वैन में चल रहा हूँ और ये जो वैन है ना वो यूज की वैन है, ठीक है, तो कोई रोकेगा भी नहीं। अबे हाँ यार टैक्सी है ना, आ जा आ जा आ जा, मेरे साथ साथ ही रह उस पे टैक्सी को लेके। चल 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 निकले यहाँ से फटाफट से ना, निकलने ही करते हैं बस। गाइस हम यहाँ से तो निकल गए हैं, मेरी बात सुनना। हाँ हाँ यार मेरे हिसाब से ना हमें ना कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, और ना देख पैसा तो हमारे पास है, हमें ना कोई हाँ। गाड़ी रेंट पर ले लेनी चाहिए, क्या बोलता है तू। यार ये तो सही है, बट गाड़ी रेंट पर देने के टाइम पर अगर ID देनी पड़ेगी फिर। नहीं मेरी बात सुन, गाड़ी रेंट पे लेने के लिए तो बाहर इंतजार कर रही हूँ, गाड़ी रेंट पर लेने अंदर मैं जाऊँगा, ठीक है। बट चल यार देख लो जैसा मर्जी करना, बट कपड़े तो चेंज करे पहले। मेरे पास सारे के सारे ID प्रूफ वगैरह हर चीज है, ठीक है, टेंशन मत ले, आ जा। नकली है क्या, नकली? अबे नकली नहीं है, मेरे पास ओरिजिनल है, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जा तू। अच्छा तेरे को भूख वगैरह तो लगी? नहीं अबे नहीं भाई, यहाँ पर पहले एक बार ना तो सर्विस से हम पहुँच जाएं सिटी, फिर ही बेहतर रहेगा, फिर देखते रहेंगे खाने पीने का। बात सही कह रहा है, तो अब मेरी बात, यहाँ पास में ही ना एक कपड़ों की शॉप है, मैं पहले यहाँ पर आया हुआ हूँ, पता है मुझे, आ जा मैं भी आ रखा हूँ, ये आ गई, आ जा
आगे है। अरे पहुंच गए। तो हमें उस कपड़ों की शॉप से ना सबसे पहले कपड़े वगैरह परचेज कर लेने चाहिए। आ जा, मैं तो पहुंच गया इधर। रही वो कपड़ों की शॉप, मेरी बात सुन। ये नाइक का शोरूम है शायद से। अबे पीछे पुलिस की गाड़ी घूम रही थी। अबे तेरी एक सेकंड अंदर घुसूं मैं। ओ भाई पागल पागल हो गया है क्या तू भाई? पुलिस की गाड़ी घूम रही है वो देख सामने। अरे हाँ वो कोई दिक्कत की बनी। शॉप का ओनर है क्या अंदर? भाई अंदर ओनर तो मुझे दिख नहीं रहा, यहाँ पे नाइकी का स्टोर है ये तो। हाँ रुक जा ओनर इधर उधर ही होगा, आता ही होगा। अबे भाई नाइकी का स्टोर है ये। पुलिस वाला भाई साहब ये तो गलत सीन हो गया। बेसिकली मेरी बात तो सुन, नाइकी के स्टोर से परचेज क्या करेंगे भाई? भाई मुझे तो वही नहीं समझ आ रही, निक्कर नुक्कर ये पड़ी हुई यही उठा लेंगे और क्या ही है। शूज देखो कितने मस्त मस्त रखे हैं यार यहाँ पे। यार वो तो रखे हुए हैं बट यार ये बहुत महंगे होंगे वैसे तो। अबे पागल है क्या, कितने महंगे होंगे यार? बट यार हमारी पर्सनालिटी पे सूट नहीं करते यार हम भाई, थोड़े हो चुके हैं मैच्योर बंदे। अबे इस शॉप का ओनर कहाँ है भाई? शॉप का ओनर है तभी तो हम यहाँ पर कुछ परचेज वगैरह भी करें ना। शॉप का ओनर तो नजर नहीं आ रहा मेरे को, मुझे खुद नहीं पता। अबे यहाँ पर एक बंदा तो आया, एक सेकंड, यही है क्या पर शॉप का ओनर? ओके बात करो इससे, बात कर। अरे तुम शॉप के ओनर हो क्या यहाँ पर? ओके ओके तो ये कह रहे हैं कि शॉप का ओनर तो यही है, आपको क्या बाय करना आप बताएं। अरे कुछ भी चलेगा, एक ट्राउजर ले रहा हूँ मैं, हाँ। टी शर्ट ले रहा हूँ मैं रेड कलर की, ठीक है चल। मैं कोई जैकेट जोकेट से देख लेता हूँ यहाँ से। आ जा भाई मुझे ये जैकेट बताना कितने की है, इधर आना भैया। ओए मेरी बात सुन, सब तू ये बताना बताना छोड़, मुझे ना एक टी शर्ट और एक लोअर ना अंदर पकड़ा जरा, मैं चेंजिंग रूम में हूँ। पकड़ा दे भाई इसको, मैं तो यार यहाँ से गाइस जैकेट जुकेट देख लेता हूँ ये वाली। यार गाइस मैं ना फटाफट से ना अब ये कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ यहाँ पर, और ये जैकेट जुकेट ही मुझे समझ से आ रही, जैकेट से पहन लेता हूँ एक, और एक ना यहाँ पर लोअर वगैरह ले लेता हूँ ठीक है, और शूज वगैरह भी देख लूंगा। तो फटाफट से ना हम चेंज करके यहाँ से हम निकलने की करते हैं। भाई क्या देख रहा है? अबे चेंज कर रहा था जब तूने ये ना पर्दा आगे कर रखा था ना, मैं चेंज कर रहा था यहाँ पे कपड़े। राइट मस्त लग रहा हूँ वैसे मैं ना, मेरे कपड़े भी सेम सेम ही है यार। ये जो घड़ी और ब्रेसलेट हाथ में लेकर आया, कहाँ से लेके आया है? यार इनके पास ही था, मैंने ले लिया फिर खरीद लिया था मैंने। अच्छा अच्छा देखो जरा मस्त लग रहा है वैसे तो यार तू। हाँ बढ़िया बढ़िया लग रहा हूँ ना मैं, फुल टिप टॉप। यार मैं पहले सोच रहा था कि ये जैकेट ले दूँ है साथ में पजामा, वो जो वो सामने टंगी हुई है नाइकी की। फिर पता क्या हुआ, फिर क्या सीन हुआ ना, ये जो बंदा है ना इसने कहा यार गर्मी वैसे ही बाहर है, जैकेट पहन के गर्मी में मरना है क्या? फिर मैंने कहा यार कुछ ऐसा है कि बढ़िया सा लगे मेरी लुक पे। लोगों ने है ना ऐसा बस शो केस के लिए लगा रखे, समझ गया ना। हाँ हाँ फिर इसने यार मुझे ये कपड़े अंदर से ना दिलवा के दिए, ये वाले कहते हैं हमारे पास नया स्टॉक आया है, फिर ये लेकर आया। बढ़िया बढ़िया लग रहा है, तोते वाली शर्ट इसने मुझको ला कर दी, बहुत मस्त। चलो भाई मिलते हैं आपसे, पेमेंट मैंने कर दी थी इसको। चलो आजा चलो फटाफट से ना। सुन अब हमें जो जरूरत है गाड़ी की जरूरत है ठीक है, अब मेरी बात सुन, रुक जा जरा मैं अपनी वही निकालता हूँ टैक्सी, रुक जा। अबे इसी में बैठ जब मैं कह रहा हूँ तेरे को। चल मैं पीछे बैठता हूँ फिर। हाँ पीछे ही बैठूंगा, पीछे ही बढ़िया रहेगा, छुप जाऊंगा ना मैं। चलो क्योंकि दो दो माइकल देखेंगे ना एक ही सीट पे, दिक्कत हो जाएगी भाई। ये बात तो तू सही कह रहा है। ओ मेरी बात सुन, ये गैरेज है और यहाँ पर ना जो गाड़ियाँ वगैरह है ना वो काफी सस्ते में मिल जाती हैं ठीक है। ऐसा मतलब टूटा फूटा गैरेज है भाई, शीशे वगैरह जिसके टूट रखे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कबाड़ा मिल जाएगा हमें। अब पागल है क्या तू, तेरे को ये तो नहीं पता बेटे। चल फिर अब क्या करना है यहाँ पर बता। मेरी बात सुन, मेरे को ना वो यहाँ से कोई गाड़ी रेंट पे लेनी है, उस गाड़ी का हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर रस्ते में बाई चांस हमें पुलिस वगैरह ने पकड़ भी लिया तो सब कुछ यहाँ पर जो है दिखा पाए उनको। तो बट उनके तो कैमरे में हमारी शक्ल भी आ रखी है, अगर शक्ल से देख लिया तो। अब पागल है क्या, शक्ल वकल कुछ नहीं आ रखी, तू ज्यादा मत सोच यार। अब भाई अगर पकड़ा गया ना फिर देख लिया तू। अबे नहीं पकड़े जाएंगे बड़ी, फालतू बकवास क्यों मेरी कर रहा है? अच्छा मेरी बात सुन, फिर मैं यहीं पे रहता हूँ ना, मेरी बात सुन, मैं ना यहीं पे रहता हूँ, क्योंकि अगर उसने मेरी शक्ल देख ली ना उन्होंने दो दो सेम सेम, दिक्कत हो जाएगी सबको नहीं दिखानी, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। हेलो सर। यार गाइस मैं पता क्या करता हूँ, मैं ना भाई इसी साइड पर आ जाता हूँ एंड मैं ना यहीं से देखता हूँ कि भाई वो बातचीत वहाँ पर ना देखो उस बंदे से कर रहा है, एंड अगर यहाँ पर उस बंदे ने मुझे देख लिया ना कि भाई तो दो दो सेम सेम गाइस शक्ल के बंदे हैं, तो गाइस बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी ये टैक्सी यहीं पर खड़ी हुई है जिस टैक्सी में गाइस हम यहाँ पर आए थे, बट शीशे टूट कैसे गए इसके भाई, इसके शीशे कैसे टूट गए? ये सही है, मैं तो भाई इतने प्यार से गाड़ी चला कर वे करा, टूट कैसे गए पता नहीं, गाइस ये टूटे कैसे? बट अब क्या ही कर सकते हैं, मैं ना यहाँ से देखता हूँ, मेरे हिसाब से वो अंदर जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ना अभी जाता हूँ भाई, वेट करता हूँ यहाँ पर कि अगर कोई ये गाड़ी वगैरह ना लेकर आ जाए। बट यहाँ पर ना एक तो चढ़ना है भाई बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या करता हूँ
इससे इसके ऊपर चढ़ के देखो क्या, इसके ऊपर चढ़ के ना जो यहाँ से भाई, ये तो थोड़ा ना अजीब सी स्लिपरी सी है ये जगह जहाँ पर चढ़ने वाला, तो भाई और भाई गाड़ियाँ कहाँ पर लेकर आ रखे हैं यार। कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या करता हूँ ना भाई, दूसरी साइड से ना जाकर ना छुप छुप के देखता हूँ, एंड जब यार इसको गाड़ी वगैरह दिख गई ना, फिर गाइस हम लोग क्या करेंगे, वही गाड़ी को ना उठा के बस निकल नहीं करेंगे लॉस एटॉस में, ठीक है। तो फटाफट से ना हम लोग ना यहाँ से निकलते हैं। यार गाइस यार यहाँ पर ना मैं इतनी देर से ना वेट कर रहा हूँ कि भाई कब तक गाड़ी आएगी। मेरे हिसाब से गाइस मेरे सामने ना एक गाड़ी निकल के ना गाइस इसी के अंदर जा रही है, शायद से गाइस इसी गाड़ी को ना इसने रेंट पे दे रखा है। यहाँ तो गाइस यहाँ पर आई थिंक सो गाड़ी ठीक होने आई है, भाई मुझे नहीं पता यहाँ पर कि भाई ये गाड़ी ठीक होने आई है या तो इसने रेंट पे मंगवाई है। बाकी यार इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ऑब्वियसली पता गाड़ी अंदर ही होगी, बट मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर अपना क्या कहते हैं यार ये गाड़ी यही है क्या वो जिसको हम यहाँ पर लेने आ रखे रेंट पर। मैं क्या करता हूँ ना, चलता हूँ फटाफट से अंदर, ठीक है। अंदर जा कर ना मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर कि ना माइकल यही गाड़ी लेने आ रखा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइस माइकल ना वहाँ पर अपना जो एक ही है यार वो अंदर बैठ के ना बातचीत कर रहा है। मैं क्या करता हूँ ना इस पेड़ के पीछे जाकर ना छुप जाता हूँ, ठीक है। अरे वो देखो वो उससे बातचीत कर रहा है, मेरे हिसाब से इसी गाड़ी को लेकर आ रखा है भाई। ये इनका मैकेनिक जो है ना गाइस यही गाड़ी को यहाँ पर लेकर आया हमारे लिए रेंट पर। भाई ये तो बढ़िया चीज़ हो चुकी है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, अपना उसको गाड़ी लेकर ना आने दो, एक बार वो बाहर आ जाए ना फिर हम यहाँ से ना फटाफट से निकलने ही करते। एक पर एक सेकंड, यहाँ पर ना गेट तो खुल चुका है बट अपना एक है यार गाड़ी लेकर आ क्यों नहीं रहा, खड़ी तो है वहाँ पर गाड़ी, मुझे नहीं पता वो गाड़ी के अंदर बैठा भी है या नहीं, मुझे यहाँ से दिख भी नहीं रहा। एक तो काले शीशे है ना साइड से, अगर सामने से देख पाता तो बेहतर रहता। एक सेकंड, गाड़ी हिजी है, गाड़ी गाइस यहाँ पर हिजी है। अरे बैठ रखा है एक, वो देखो गाइस यहाँ पर ना एक बैठ रखा है। हेलो ओए, हेलो ओए, मिल्की की गाड़ी मिल तो गई, देख कितनी मस्त लग रही है। यही है भाई, यही है, इतनी खतरनाक गाड़ी दे दी क्या रेंट पे उन्होंने, ये तो खच्चर सा लग रहा था मुझे। गाड़ी देख कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है भाई। भाई इनकी बिल्डिंग खच्चड़ा, अंदर सामान बढ़िया यार, ये सही है भाई। नहीं अंदर कुछ भी नहीं था भाई उसके पास ना, असल में यहाँ पर जितने लोग आते हैं ना आधे से ज्यादा लोग ना देख पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, इसी टाइप की इसने गाड़ियाँ रख रखी है। तो भाई रेंट पता कितना लिया, कितना, $5,000। अबे जी वैगन है यार, वैसे बात है 5,000 तो ये देंगे इसका यार। हाँ भाई जी वैगन है, पर आगे तो बी लिखा हुआ है भाई। एक ब्रैबस केट है ना भाई, फिर वो भी तो देखना ब्रैबस केट के साथ है, 4x4 है, ऊपर से पीछे देख। और V8 इंजन है भाई, ये देख ले तो। ओ यार ऑब्वियसली बात है भागेगी तो सही यार, V8 है ऊपर से भाई, ऑफ रोडिंग में तो भाई बेस्ट है, डिफेंडर भी बेस्ट है, ये भी गाड़ी बेस्ट है। डिफेंडर मेरे पास है ना, डिफेंडर भी मस्त है और ये भी बहुत ज्यादा मस्त गाड़ी है। हाँ तो देख भाई ये कार भी बहुत अच्छी लग रही है। और मैं तेरे को बताऊँ ना, इस गाड़ी के सारे पेपर्स हमारे पास है, हर चीज हमारे पास है, ठीक है। तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ना ही कोई पुलिस वाला अब हमारे ऊपर यहाँ पर शक करेगा, समझ गया ना तू। ओ भाई पुलिस वाले खड़े हैं देख राइट साइड में। नहीं 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 कुछ भी नहीं कहा, कुछ कहा वैसे कहेंगे तो सही नहीं, बट फिर भी भाई ना हमें पेट्रोल डलवाना है, बिल्कुल खाली टंकी है। यार ये तो रॉन्ग साइड है पेट्रोल, चल कोई तो आगे से आप यहाँ से यू टर्न ले भी सकते। चल यार ऑफ रोडिंग करके निकाल दे, कौन सा पुलिस वाले देख रहे हैं, कौन सा पुलिस वाला देख रहा है और क्या। वैसे भी गाड़ी गाड़ी भी तो कुछ काम आए ना, निकाल 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 बस, इजीली निकल गई यार ये। अरे भाई ऑब्वियसली बात है जी वैगन है, ऊपर से ऑफ रोडिंग की गाड़ी तो हो गई यार। शॉकर देखा ना इसके कितने वगैरह रखे अंदर, दो दो। अबे यार यहाँ पर तो इस बंदे ने गलत जगह गाड़ी लगा दी, अब क्या करें। चल कोई दिक्कत की बात नहीं, हम भी अभी पेट्रोल तो डलवा ही लेंगे ना, रुक जा, बंदा नहीं बनती है वो। अबे यार इनको चवानी आती नहीं, पापा की परियां। एक काम करता हूँ, रुक जा, मैं इस गाड़ी को आगे ले जाकर यहाँ से बैक करूंगा, ठीक है। और हमें वैसे भी सही है सही है सही है, दिख गया ये ना टंकी अपनी साइड में ही है, लगा दे इधर ही आराम से बस। चल पेट्रोल की जरूरत होने वाली है लॉस एंड पहुंचने के लिए, समझ रहा है तू। ठीक है ठीक है, बाकी तूने वो सैलो और बैग रख दिया था ना इसके अंदर। हाँ हाँ रख दिया मैंने, तो उसी से पे कर दूंगा, मेरे पास अभी कैश में है नहीं, उसमें हमने कैश उठाए थे ना बैग में पड़े होंगे, उसी से कर दूंगा पे। या तो मेरी बात सुन, तू उठा पैसे, मैं तेल भरता हूँ, वो अंदर जाके तुझे पैसे देने पड़ेंगे ना उसको, जाकर देख रहा कैश, ठीक है। मेरी जेब में पड़े कुछ पैसे, रुक जा। चल चल तू पे कर रहा, मैं कितने डॉलर में फुल होगी भाई। V8 है भाई, फुल करवाने में कम से कम 350 तो लग ही जाएंगे।
चल ठीक है, $350। तुझे कुछ खाना तो नहीं है? नहीं नहीं चल थोड़ा बहुत ले आइए, चल मैं जब तक तेल डालता हूँ ठीक है। गाइस यार फटाफट से ना यार मैं ना तेल डाल देता हूँ यहाँ पर, एंड टैंकी ना फुल करके मैं यहाँ पर रेडी कर रख देते हैं। जब तक यार वो आता है थोड़ा ना कपड़ा कुपड़ा मार देता हूँ, थोड़ी गंदी सी हो गई है। और जी वैगन यार ऑब्वियस बात है, इतनी बढ़िया गाड़ी है, गंदी वगैरह नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ फटाफट से ना कपड़ा मारता हूँ एंड निकलते हैं यहाँ से इसका तेल वगैरह भरवा के। भाई बर्गर कैसा लगा तेरे को? बर्गर यार मस्त गाइस, मजा आ गया यार यहाँ पर बर्गर वगैरह खा कर, बढ़िया था बर्गर। तेल वगैरह में देख मैंने डलवा दिया, कपड़ा भी मार देता है देख इस पे मैंने बढ़िया। और इस कपड़ा वगैरह और ना इसका पीछे वाले टायर में थोड़ी हवा कम थी, मैंने इससे इससे हवा डलवा दी मशीन से जो यहाँ पे पड़ी हुई है ना। हाँ 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 लेक्सस कितनी मस्त लग रही है गाड़ी, बढ़िया लग रही है यार। वैक्सस और वैंड क्रूजर ना भाई टॉप की गाड़ियां लगती है मुझे, सही बताऊं ये दोनों टक्कर की लगती है मुझे गाड़ियां। ये गाड़ी तो बड़ी मस्त है भाई, बड़ी मस्त लग रही है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा घमंड लग रहा है यार भाई, है तू देख के कैसे बोल सकता है घमंड है, क्या पता ना हो। अबे भाई क्या पता ना हो, बड़ी एटीट्यूड में चल छोड़ना उससे, हमें यहां ये आया कैसा यहां पे करने, तेल वगैरह डलवाने आया। मेरे हिसाब से ना रेट देख के चला गया, रेट लगता हाई होगा यहां का। पता नहीं क्या चाहता ही है। मुझे ऐसा लग रहा है उसकी गाड़ी में ना कोई दिक्कत आ रही है, फोन फान कर रहा है कुछ। मेरे हिसाब से मुझे हेज वगैरह, क्योंकि यहाँ पर ना वो देख रहा था कुछ, अब पता नहीं कैसे वो लगता है यार यहाँ पे मैकेनिक वगैरह ना ढूंढ रहा हूँ। हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है, मैं लॉस एंजेलिस के लिए। हाँ यार अब चलते हैं यार फटाफट से ना, हम निकलते ही करते हैं यहाँ से। बाकी गाड़ी चमक गई फुल, मैंने चमका दी थी गाड़ी भाई, फुल चमक रही है, फुल चमक रही है गाड़ी। चल अब चलते हैं, चल यहाँ से भगाते हैं गाड़ी। अब पुलिस वाला भी चला गया और पुलिस वाला यहीं बैठा रहेगा, तू भी पागल ही है यार। अरे मुझे लगा यहाँ पे बैठा होगा पेट्रोलिंग के लिए। चल चल भगा भगा भगाना ही कर, भगाना ही कर। अरे वो एक्सेस वाला भी निकल गया, वो देख टॉप स्पीड चेक कर, हो गया इसकी भगा के देख ले भाई। इस गाड़ी की टॉप स्पीड मेरे ख्याल से 200 तक तो देख जाती होगी आराम से। जी वैगन है यार ऑब्वियस ही बात है, इतनी तो जाएगी। अबे नहीं नहीं इतनी भी नहीं जाएगी, एसयूवी है भाई और ऊपर से ना व्हील्स देख इसके कितने मतलब तो भाई इसके अंदर यार V8 इंजन लगा हुआ है ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है यार गाड़ी तो यार भागेगी यार यहाँ पर। इतनी भी नहीं भाग रही भाई, मैं चला नहीं रहा क्या, मुझे इतना महसूस नहीं दे रहा कि। तो स्पोर्ट्स मोड ऑन किया क्या इसका तूने? हाँ स्पोर्ट्स मोड ऑन है। 190 पहुंच गई। अबे तेरी एक्सेस वगैरह देखियो, उत्तरी उत्तरी ये क्या कर दिया इसने? अबे भाई बम्पर बम्पर टूट गया, सी की गाड़ी का टूटा क्या भाई? हमारा भी टूटा आगे से देख थोड़ा बहुत। अबे ना ना ये तो थोड़ा सा खरों चाहिए, ये दिमाग से पागल है क्या ये कोई बंदा भाई? की क्या था यार, क्या जी वैगन से रेस लगाना चाहता है क्या ये? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है हमारी गाड़ी से ना रेस लगाना चाहते हैं। देखियो क्या कर रहा है, कट मार रहा है, ठोक इसको ठोक इसको ठोक नहीं कर रहा यहाँ पे तेरी। ओ भाई ये क्या कर दिया अबे भाई, जी वैगन का क्या हाल कर दिया तूने? अबे मुझे ऐसा लग रहा है मैं जी वैगन ही सिर्फ नाम के इसमें साइड से तोड़ता हूं। रुक 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 उतर तेरी ऐसी की तैसी, रुक तेरी पागल है क्या, रुक तेरी जी वैगन की। अबे डरते हैं आजा, डरते हैं क्या इससे आजा? क्या बोले भाग गया कर ले क्या करेगा भाई यार, एक तो डरपोक इतने बंदे हैं यार यहाँ पर। दे गाड़ी दे, दे गाड़ी दे, गाड़ी दे मैं चलाता हूं। नहीं नहीं बैठ तो, अबे यार ना मैं कह रहा हूं ना गाड़ी दे, मैं कह रहा हूं ना गाड़ी दे, दो मिनट दे आराम से बैठ दे, तो कुछ दिक्कत की बात नहीं आराम से बैठ। गुस्सा चढ़ा दिया इस बंदे ने मुझे यहां पर, क्या भाई कैसा बंदा था यार। चिल कर तू, चिल कर यार, ऐसे बंदे जब रोड पे आते ना गोली मारने का दिल करता है मुझे। अबे मेरी बात सुन, अब तो इस गाड़ी में भाई हमें रिपेयर करवा के देनी पड़ेगी उन्हें। चल कोई दिक्कत नहीं, वो तो करवा देंगे यार, वो उन्हीं से करवा देंगे जहां से तेरी फैंटम हो रही है। ठीक यार इसका तो साइड का ये भी टूट टाट गया यार, इतना $5,000 तो ही सोच रहा था मैं, अब तो गाड़ी के ऊपर इतने ज्यादा पैसे लग जाएंगे यार, शिट यार। भाई यार काम तो यहाँ पर बड़ा गंदा हो चुका है, बट अब देखा फैंटम भी करवा ही रहे हैं तेरी रोल्स हो रही थी इतनी बड़ी गाड़ी, चल ये भी करवा देंगे और क्या ही है। पैसे तो हम चुराए हैं थोड़े बहुत वहाँ से, तुझे पता उनके लॉकर से हमने चुराए हैं जो पैसे। ये बात तो देख तो बिल्कुल सही कह रहा है यार, ये बात तो बिल्कुल ग्रेट है। ऊपर से वहाँ पर हमने गोल्ड की चेने भी तो चुराई है, गोल्ड की रोलेक्स की वो घड़ियां घुड़ियां, तो पैसा तो बहुत है। फिर आ गया ओए भाई तेरी तो गाड़ी भगा, गाड़ी पर बहुत तेज है, गाड़ी भगा बहुत तेज है उसकी कार। चल तेरी रुक रहने दे, क्यों रुक, गोली रुक। मार रहा है, पुलिस वाला इलाका है। अबे डरते हैं, अब आई जाए जो मर्जी हो। अबे गिर गया गिर गया, ओ गिर गया गया गया, ओ भाई उड़ गया वो तो भाई साहब, लगी उसके भाई कहां जाके रहोगा वो पता नहीं, वो प्रिजन में घुस गया लगता है। मुझको भी ऐसे ही लग रहा भाई, वो बहुत दूर जाकर गिरा है, मैं कसम से बता रहा हूं तेरे को, पीछे दिख भी नहीं रहा यार वो तो। बात है उससे हमें क्या लेना देना, हां हां सीधा चलते हैं यार। ओए मेरी बात सुन, हां हां सेंट ऑफ से पहले ना मुझको ऐसा लग रहा है चेकिंग हो सकती है,
क्योंकि हाँ यार सैंडी चोर से अगर लॉस सैंटोस घुस रहे हैं ना तो ऑब्वियसली बात है टोल वगैरह तो होते ही होते हैं यार। अब क्या करना है फिर बता। अरे यार अगर टोल वगैरह भी नहीं होगा ना, ऑफिसर ने रोक तो रखा। अबे देख 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 सामने टोल है, सामने टोल है। है क्या? अबे वो देख वो सामने टोल है। अरे यार मेरी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। गाड़ी रुक, गाड़ी रुक यहाँ पे, गाड़ी रुक। सोचने दे अब, क्योंकि यहाँ पे आगे बस चलते चलते तो वो आ जाएगा, तो यहाँ पे गाड़ी रोक के अब सोचना ही पड़ेगा अब क्या करना है यहाँ पर, समझा? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हाँ तू गाड़ी की डिग्गी में छुप जा। ओके ठीक है। तू गाड़ी की डिग्गी में छुप जा, वैसे भी डिग्गी तो कोई चेक करेगा नहीं, ठीक है? और मैं गाड़ी चलाता हूँ, अब तो मैंने हुलिया भी पूरा चेंज कर रखा है, कोई नहीं पहचान पाएगा। चल चल इसकी डिग्गी खोल अंदर से, मैं बढ़ता हूँ फिर, क्योंकि यहाँ पे हैंडल, अच्छा हैंडल तो है भाई, रुक मैं ट्राई करता हूँ खोलने की। तू डिग्गी में घुस, ठीक है? ओके। तो गाइस यार यहाँ पर देखो यार हमारी प्लानिंग यही हुई कि हम जल्दी बैठ गाड़ी के अंदर फटाफट। यार अब निकलने की करनी पड़ेगी ना यहाँ पर अब, है ना? और क्या करना है? चलो यार अब निकलते हैं फटाफट से। बात सुन, हाँ गाड़ी की बेटे बहुत खराब हालत हो चुकी है इसकी, जी वैगन की, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ फिर अब तो मैं तो सोच रहा हूँ छोड़ना क्या वापस दें। अबे देखी जाएगी, बट यहाँ से तो निकलने पहले ये BMW के पीछे भगा दे। BMW के पीछे ही खड़ी कर लेता हूँ गाड़ी। अब यहाँ पर एक पुलिस वाला आ चुका है, हमारी तरफ ही आ रहा है, ब्लैक शीशा है ना गाड़ी के। अबे ब्लैक शीशे तो कर ही सकते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। हेलो जी, ओ मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हाँ वो नहीं, अबे गेट खोल रहा है। अबे रुक जा रुक जा, गेट खटखट आ रहा है पुलिस वाला। वो यार अब क्या करे बता। रुक रुक रुक, तेरी तरफ देख रहा है ना, मैं निकलता हूँ, क्योंकि अगर उसने मेरी शक्ल देखी ना दिक्कत हो जाएगी। मैं निकलता हूँ, पेड़ के पीछे जा, भाग जा भाग जा भाग जा। मैं निकल गया, मैं निकल गया। अरे मैंने डिग्गी में बैठना था, मैं तो भूल गया कि डिग्गी में भी बैठना था। हाँ चल ठीक है, यहाँ पर। यस ऑफिसर। अबे यार गाइस यार यहाँ पर एक सीन हो चुका है यार, मैं गाइस पीछे भाई इसके उसमें बैठने लगा था डिग्गी के अंदर, गाइस यहाँ पर गाइस सीन हुआ ना, मैं भाई भूल ही गया आप सभी को बताने के चक्करों में कि मैं भाई पीछे बैठ रहा था, और भाई मैं पीछे बैठने के चक्कर में आगे जाके सीट पे बैठ गया, बट मुझे याद आ गया कि अब मुझे पीछे भी बैठना था। बट अब मैं पता क्या करता हूँ, देखो यार यहाँ पर छुपा रहता हूँ, देखो ब्लैक शीशे थे इसकी वजह से उसको दिखा नहीं कि भाई अंदर दूसरा बंदा भी बैठ रखा है, इसलिए मैं दूसरे डोर से निकलने ही कर गया और यहाँ पर छुप गया आकर। अब देखते हैं गाइस वहाँ पर क्या बातचीत चल रही है उससे, अब मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी यहाँ पर आइडिया नहीं है। अब यार यहाँ पर एक तो टोल आ गया ना भाई, समझ ही नहीं आ रही यहाँ पर, अब टोल पे हम करें तो करें क्या, यहाँ पर निकलना है फटाफट से, बट यहाँ पर बंदा ही बहुत ज़्यादा है, एक तो यार निकलेंगे तभी हम पता होगा ना हमें यार। तो गाइस यार यहाँ पर कैसी ना, यहाँ पर तो बंदे ही बहुत है, छुप जाऊँ भाई मैं, मुझे देख ना देखो यार, मुझे देख ना देख, मैं यहाँ पर बस छुपा हूँ ठीक है, और छुप के ना अब देखता हूँ कि भाई यार कब तक यार ये गाड़ियाँ निकलेंगी, फिर हम गाइस यहाँ से निकलेंगे। बस उस बंदे से जो अपना जो एक है ना उससे जो बातचीत वहाँ पर कर रहे हैं वो लोग यार, बस कुछ फालतू वगैरह ना पूछो। एक सेकंड वो आ रहा है इधर को, अभी देखते हैं एक सेकंड। और तुम हाईवे के ऊपर किस तरीके से गाड़ी चला रहे हो, ठीक है? तुम्हारी लाइट टूटी हुई है और मतलब गाड़ी की हालत बिल्कुल कबाड़ है, तो गाड़ी अच्छी करके यहाँ पर चलानी है। मैंने बोला सर रेंट वाली गाड़ी है, कह रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओनर यहाँ पर जो है इसका रेंट भर देगा। ओए हेलो हेलो हेलो, हाँ क्या हुआ? हाँ, क्या सीन हुआ बता बता बता, क्या सीन हुआ, क्या कह रहे हैं वो? अरे मेरी बात तो सुन, वो हाँ? ये क्या, रुक जा पहले गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, जल्दी बैठता हूँ फटाफट से गाड़ी में। अरे वो गाड़ी लेके निकलने लग गए वो, देख। हाँ हाँ चलना। अरे ये आगे क्यों नहीं निकल रही गाड़ियाँ, निकल यार निकले, अबे चेकिंग हो रही है वहाँ पे, रुक तो जा। अरे यार कब तक निकलेंगी ये गाड़ियाँ, समझ ही नहीं आ रही। अरे यार नहीं तो फंस जाएंगे, मैं ना छुप जाता हूँ भाई अंदर बैठ के। अबे अबे रुक, देख ही ना ये कागज शीशे, भाई गाड़ी निकालो भाई। अबे निकाल लेना भाई। यार वो आगे वो बंदा तो निकल गया, बट ये बंदा नहीं यार अब निकल रहा आगे, एक तो बुगाटी वाला, बुगाटी वाले ने उसको रोक रखा है, क्या कहते हैं बुगाटी वाले को। अबे यार बुगाटी वाले ने बुगाटी वाले को रोक रखा है, पुलिस वाले ने रोक रखा है, क्या बोली जा रहा भाई। मेरी ना थोड़ी सी जवान लड़खड़ा रही है, पगलेट आदमी भाई नीचे मुंह करके बैठा है। अरे उनको कहते हैं, उनको कहते हैं हम यूटर्न ले सकते हैं यहाँ से, हमें यूटर्न नहीं ले सकते। अबे यार बैठा रहे चुपचाप, फंसे पड़े यहाँ पर तो। अबे सवाल जवाब पूछ रहा है भाई इससे, हम क्या करें अब? चल यार देखते हैं अब यार, ये गाड़ियां एक तो एक मसी गाड़ी निकली थी क्या यार,
रुकना तो देख पड़ेगा, ठोक दूंगे इसकी गाड़ी में। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं टोकियो मत, टोकियो मत, टोकियो मत। पता क्या करते हैं, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अरे ये बताओ गाड़ी क्यों नहीं जा रही, पुलिस वाले ने वैन बीच में लगा रखी है, वो वैन तो साइड करे, पता नहीं बेवकूफ बंदे किस टाइप के हैं। इतनी तो जगह है भाई, वो आगे वाला भी तो निकल गया। नहीं 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 वो पुलिस की वैन हटेगी। अबे पुलिस, अबे तेरी, अरे 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 जी मैं पीछे कर रहा हूँ, पीछे कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, भाई पीछे, मुझे लगा उसने मुझे देख लिया। ओ भाई, ओ भाई वो वैन भी हटाएगा वहां से, तभी जाएगी गाड़ी वो। अच्छा मैंने कहा था ना भाई, यार एक तो कैसे कैसे बंदे। अब वो बुगाटी का अभी भी नहीं निकाल रहा है, क्या हो गया? अब लगता है दिमाग खराब है थोड़ा सा, मुझे लगता है पूछताछ ज्यादा हो रही है उससे। बंदे को निकाल भाई, पुलिस वाले मार इसको। ओ भाई कोई निकाल दी उसने, ओ भाई बंदूक निकाल के बैठ गया वो। ओ भाई लगता है यहाँ पे कुछ ज्यादा ही तगड़ा सीन है भाई ये। अच्छा 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 ओके ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे वो कह रहा है कि यहाँ से निकाल दे गाड़ी, ऊपर से कह रहा है, ऊपर से निकाल दे, पहाड़ से, पहाड़ से निकाल दे, यहाँ से मत निकाल। से निकालने के लिए कहा है पागल, पागल उसने पहाड़ से कहा था भाई। यहाँ से कहाँ से निकलेगी गाड़ी, कहाँ से निकलेंगे, आके जगह भी है देख दे, कहाँ फंसा रहा है गाड़ी तू भाई। चक्कर में वो उसको मारने के चक्कर में देख, मैं तुझे कह रहा हूँ, मैं तुझे कह रहा हूँ, वो देख, वो अभी देख, वो कह रहा है, वो देख कह रहा है पहाड़ से निकाल। सुनिए आप खुद इस बुगाटी वाले को साइड कर दीजिए ना, रुक जा बैठा रहे। अबे यार ये नहीं सुनेगा, मैं ही बैठता हूँ सीट पे। इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अबे ओ ओ पगले, ओ पागल आदमी, और निकल नहीं कर, जल्दी आ जल्दी गाड़ी में, जल्दी गाड़ी में। ओ तेरी, ओ तेरी, तेरी फंसवा दिया इसने मुझे दोस्तों, ओ तेरी फंसवा दिया इसने मुझे। जा जा साले जा, तेरे पीछे गई पुलिस तेरे पीछे। भाई यार मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैंने भाई उसको कहा था कि भाई निकल, क्यों उसके वहां पर घुसा रहा, उसने भी कहा कि पहाड़ से निकाल दे, तब भी नहीं निकाल रहा भाई वो बंदा। मुझे नहीं समझ आ रही क्या चाहता है वो। अब यार देखना ही पड़ेगा, अब यहाँ पर हमें करना तो करना क्या है। देखो यार यहाँ पर ना पुलिस की एक गाड़ी आ रही है मेरे पीछे, मुझे यार इनसे ना बचना पड़ेगा। अरे यार भाई तो टक्कर मार दी इसने मेरी भाई, अरे तेरी। मैं ना हाईवे पर निकाल देता हूँ भाई। यार जब से ना हमने कांड किया ना, तब से गाइस हाईवे पर ना गाइस थोड़ी ना पुलिस वाले की ना चेकिंग ज़्यादा हो चुकी है। अब देखो गाइस मुझे नहीं पता ये लोग ना मेरे से क्या चाहते हैं। मैं बस ना यहाँ से बस निकल नहीं करता हूँ ना, मैं गाड़ी ज़्यादा ठोकूंगा, क्योंकि यार गाड़ी जैसे मुझे एक ही ने कहा है कि यार ये तो हमें रखनी ही पड़ेगी। बट यहाँ पर देखो पुलिस हमारे पीछे आ चुकी है, और वो गोली मारी तेरी ऐसी की तैसी। पुलिस वाले की गन उठा दी थी, कैसे मैंने यही मारूंगा इनके भाई। यार मुझे यहाँ पर ना जी वैगन भगानी पड़ेगी, और यार एक ऐसा जी वैगन भाग ही नहीं हो रही थी भाई, वो 180 तक की मैक्स लेके जा रहा था, और मैंने कैसे यहाँ पर 250 पार कर दिए। वाह। बट यहाँ पर देखो मुझे कोई पुलिस वाला दिख नहीं रहा मेरे हिसाब से, गाइस मैं यहाँ से ना बच चुका हूँ। मैं बस ना गाड़ी भगाने की करता हूँ। देखो अगर वो उन्होंने लोगों ने ना देखो मुझे पकड़ लिया तो भाई बहुत दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हम लोग ना क्या करते हैं यहाँ से भाग करना बस अपना थोड़ा सा दूर चल पड़ते हैं। अब और क्या ही कर सकते हैं, फिर मैं एक एक को फ़ोन कर दूंगा कि तो भाई यहाँ पर हूँ, यहाँ पर आके मुझे मिल जाए, ठीक है। बस भाई पुलिस वाला ना कहीं दिख जाए मुझे, और तो भाई कोई दिक्कत नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ ना यहाँ पर रहता हूँ, रुको रुको रुको, ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है ना, इधर इधर चल पड़ता हूँ, उसको क्या ही शक पड़ेगा कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पर गाड़ी पार्किंग वगैरह है क्या यहाँ पर? मैं पार्किंग है क्या यहाँ पर मुझे ये नहीं पता। अरे यार यहाँ पर कोई पार्किंग, अरे वोरी 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 वोरी, अरे तेरी भाई, मैंने मेरी खुद की गाड़ी नहीं है ना इस जगह, मैं ऐसी गाड़ी चला रहा हूँ। बट मैं क्या करता हूँ ना गाड़ी को ना यहाँ पर चुपचाप ना ला कर ना खड़ी कर देता हूँ, ठीक है, यही बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब देखता हूँ कि गाइस अगर यहाँ पर ना पुलिस अगर मुझे दिखी ना फिर भागूंगा। बस गाड़ी को ना थोड़ा छुपा के रख लूँ कि ऊपर को ना वो देख ले हाईवे से। अब देखते हैं गाइस यहाँ पर अब क्या होने वाला है। बट मैंने तो यहाँ पर देखो गाड़ी भगा ली थी पुलिस वाले से बचकर। अब देखो यार यार ये एक समझ नहीं रहा, मैं कह भी रहा हूँ, उसने कहा भी यार कि पहाड़ से चढ़ा कर निकल, बट वो भाई मान ही नहीं रहा, बुगाटी वाले के ऊपर चढ़ानी है भाई उसे को भी। अब देखो यार मैं भी क्या ही करूँ, अब मैंने गाइस गाड़ी निकालनी थी, इसकी वजह से गाइस मैं फंस सकता था, तो इस वजह से मैंने क्या ही सोचा कि गाड़ी में निकाल खुद ही देता हूँ। कोई नहीं भागना पड़ जाएगा, भाग जाएंगे, और भाग के देखो बच भी चुके हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग ना वेट करते हैं अभी एक एक का, एक एक के पीछे भी देखो पुलिस पड़ गई होगी, क्योंकि यार मेरे हिसाब से ना उसने ना गाइस किसी की गाड़ी वगैरह चुरा ली थी। अब देखो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वेट करते हैं एक एक के फ़ोन की, देन उसके बाद गाइस हम लोग ना यहाँ से निकल जाएंगे। सो गाइस यार यहाँ पर देखो मेरी बातचीत तो हो चुकी है एक ही से, एंड एक ही गाइस यहाँ पर कह रहा है कि यार तू कहाँ भाग गया था, तूने ये ऐसा क्यों किया, तूने वहाँ से गाड़ी क्यों भगाई, मैं निकाल देता ना गाड़ी। मैंने कहा यार तुझे कितनी बार उसने कहा कि पहाड़ से निकाल लो, पहाड़ से निकाल लो, तूने नहीं मानी उसकी बात।
अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, क्योंकि उसने कहा था कि यहाँ पर बुघाटी वाले के पास कुछ चीज़ें मिली, तो यहाँ पर टाइम लग सकता है यार। अब पता नहीं गाइस अब वो बंदा भी कहाँ है, अब यार देख ही जाएगी यार कब यार अपना ना एक ही मुझे मिलने आएगा। मैं तो यहीं पर उसकी वेट कर रहा हूँ। उसने मुझे बता दिया था कि मैं अभी ना तेरी लोकेशन के आसपास ही हूँ, उसको मैंने लोकेशन भेज दी थी, ठीक है। एंड गाइस वो ना गाइस मेरे हिसाब से तो गाइस यहाँ पर ना आस पास ही होगा। अब देखो यार हमें तो यहाँ पर वेट ही करनी पड़ेगी कब ए के आएगा, उसके बाद गाइस मैं मिलूँगा ए के को, फिर अब देखते हैं गाइस अब आगे हमें क्या करना है। क्योंकि हमने जो सेल चुराया है ना, अब यार उस सेल का जो इसने काम करना था वो अब देखते हैं गाइस अब कब तक हम वो काम करेंगे। बट यहाँ पर अगर हम बात करें जी वैगन की तो बहुत ख़राब हो चुकी है, और यहाँ पर मेरे हिसाब से ए के हार भी चुका है यार। ये देखो भाई, हाँ भाई ए के क्या हाल चाल। अबे मेरी बात सुन, वहां हाँ? से भागा क्यों था बे तू? अबे यार साले पुलिस मेरी वालों को शक करवाता रहता है बेफिजूल में। मेरी बात तो सुन, तुझे मैंने बताया हाँ कि वहां पर वो कह भी रहा कि पहाड़ से जगह पहाड़ से जगह, उसने तुझे इशारा भी दिया, तब भी तूने बुगाटी वाले के ऊपर चढ़ानी थी हैं। अब अबे भाई मुझे भाई मेरी हैं बात सुन, वो हाँ बुगाटी वाले को साइड कर रहा था ना, अबे नहीं कर मेरी रहा था उससे यार, जल्दी उसने की उसने बातचीत थी। उसने ये कहा कि उसके उसके पास से कोकेन कुछ वगैरह कुछ सामान मिला ट्रक ड्रुक का, उसको थोड़ा टाइम हाँ लग तो जाएगा, इसलिए तुम पहाड़ से निकाल दो। तू इसकी बात नहीं सुन रहा था, मैं क्या करूँ अब। अब मुझे उसने देख लिया वैसे गाड़ी के मैंने अंदर, तो, मुझे भगानी मैंने पड़ेगी भाई गाड़ी। ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ भी किया है। अब यार तो उसके पास उतर के चला गया कि हाँ भाई इसकी बुगाटी की गाड़ी हटा दो, ये वो वगैरह भाई उसने कहा भी, और ऊपर से भाई उसने मुझे देख लिया था गाड़ी के अंदर, इसलिए वो मेरे पास देख आने लिया लग गया तूने? था, तभी तो मैं भाग गया था गाड़ी चल लेकर। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ हाँ ब्रीफकेस और वो सब गाड़ी के अंदर से हाँ लेके वो आया गाड़ी था। के अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी गाड़ी का क्या करना है, इसी गाड़ी को लेके जाएंगे क्या नहीं इसको यहीं पे छोड़ दे, छोड़ फिर। अब भाई 5,000 तो गए, अब इसी इससे अच्छा तो तो जी वैगन को ठीक करा कर अपने पास रखेंगे। पागल आदमी है क्या तू? ये घटिया जी वैगन साली मुझे तो चाहिए भी नहीं। यार वैसे तो यार तू भी बात सही कह रहा है, बेकार से जी वैगन है, बट मैंने 250 पार कर दी, तुझे पता है तेरे हाँ से एक सौ चलती है अस्सी पार चलती नहीं है। जा हाँ रही थी, मैंने वो ढाई ना सौ के कुछ ऊपर कर चढ़ा रखा दी। होगा तूने। कोई नहीं भाई, मैंने स्पोर्ट्स मोड ऑन किया था, तूने स्पोर्ट्स मोड ही नहीं ऑन कर रखा था, हाँ स्पोर्ट्स मोड ठीक है, प्लस प्लस कलेक्शन था में इसके से अंदर। सूटकेस निकाल तू मैं यार। चाहे निकाल रहा हूँ, ठीक है ओके। गाइस यार मैंने यहाँ पर सामान वगैरह निकाल लिया, बाकी एक ही मेरे हिसाब से हमारी वेट कर रहा होगा कोई। इस वजह से हेलो, बस सही है। हाँ मैंने निकाल लिया यार ये अपना क्या कहते हैं ब्रीफ केस, चलें आ जा बैठ जा बैठ जा बैठ आ जा। जा आ जा फटाफट से ना, अब निकलते हैं, चल भगा गाड़ी को बढ़िया अब भाई, देख भाई। गाड़ी को तो देख मैं आराम आराम से चलाऊंगा, भगाने का देख कोई भी सीन नहीं है, समझ गया ना तू? अब जाना कहाँ ये तो बता दे। मेरी बात सुन, अपना इसको ना हमें किंग कोबरा के घर के नीचे इस सेल को आज के आज फिट करना है, क्योंकि रॉथशाइल्ड फैमिलीज ने कहा था हाँ कि माइकल ये काम ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर देना, तो कुछ भी प्लान बना हमें हाँ उसके हाँ घर के नीचे फिट करना है इस चीज़ को। अबे मेरी बात तो सुन, हाँ चल वो सुना। तो फिट कर देंगे यार। यार मुझे भी बहुत काम है यार, मैंने ना रेस करनी है, मैंने ना रेस के लिए हाँ गाड़ी तो चुराई थी, अब वो मेरी कल हाँ रेस है, तो यार मुझे अब हाँ देखना पड़ेगा। वो मेरा फ्रेंड है जो उस गाड़ी के ऊपर काम कर रहा था, जो मैंने हाँ गाड़ी चुराई थी, अब वो देखना पड़ेगा उसने काम वगैरह कैसा किया। तो बता अब जल्दी कोई काम वगैरह करना है तो बता, फिर नहीं तो मैं निकलूँ वहाँ पर, उसके पास भी मुझे नहीं जाना है। नहीं देख मेरी बात सुन, वो तो तू चला जाइयो, हाँ एक हाँ काम कर, तू मेरी मदद कर सकता है क्या यहाँ पर इस चीज़ के अंदर, ये सेल्फ फिट करवाने में उसके घर के नीचे? वो तो मैं चल करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ ठीक है चलो यार, ये काम करवा दे, हाँ वरना हाँ कुछ नहीं है ठीक है। अभी सबसे पहले ना हमें इस सामान को रखना तो मेरी बात होगा, तो सुन, एंड मेरी बात इस तो सुन, सामान को रखने के लिए, हाँ बोल सुना। रात को करेंगे ये काम, रात को बेटर रहेगा नहीं भाई, नहीं दिखेंगे नहीं रात को कोई ही भाई, भी। दिन में। अबे पागल है क्या, रात को पानी के अंदर तू देख पाएगा? अरे भाई हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना, हम वो पहन के जाएंगे ना स्विम सूट, उसके अंदर टॉर्च लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा और क्या, रात को करना है, चल रात ठीक को है, कर रात को देंगे, सही तब है। तक मैं वो अपना काम निबेड़ लूंगा ना जो मेरे पास है अभी। चल ठीक है फिर, तू ये काम कर दे। एक हाँ काम कर, हाँ ये हाँ सूटकेस ना गाड़ी के अंदर ही छोड़ दे। ओके। तो गाइस यार यहाँ पर हमें एके लेकर आ चुका है, अबे लेकर क्यों आए यहाँ पर ये तो बता दे। मेरी बात सुन, अब ना हाँ इस गाड़ी को हम यहीं पर खड़ी करेंगे, मेरी बात सुन। देख अच्छा हमने इस गाड़ी को यहाँ पर इसलिए खड़ा किया है, देख ये जो जगह है ना ये मेरे जानने वालों की ठीक है, एंड वो सूटकेस और वो जो ब्रीफकेस था हमने इस गाड़ी के अंदर ही छोड़ दिया, क्योंकि अब ये पार्किंग में लगी हुई है, इस कार को यहाँ पर कोई भी छेड़ने नहीं वाला, समझ गया? चल ठीक है, अब फिर हमें यहाँ से जाना कैसे जाएंगे, अब किस गाड़ी में चुरानी पड़ेगी हमें गाड़ी फिर। अबे नहीं, वो सब तो सही है, बाकी मैं तेरे को एक सरप्राइज दूँ क्या कौन सा सरप्राइज, ना? अगर तेरे को सरप्राइज चाहिए तो मेरे को बता बता। अच्छा बताना कौन सा सरप्राइज है, देखना चाहता हूँ बता। मेरे पास एक बहुत ज्यादा धासु सरप्राइज है, वो देख कर ना तू कसम से बता रहा हूँ पागल होने वाला है। अच्छा क्या है सरप्राइज है, हाँ ये तो दिखा दे, आ चल दिखाता हूँ ना, चल मेरे साथ रुक जा जाना कहाँ पर जरा। है ये तो बता दे। ओहो टैक्सी वाले को कॉल करना पड़ेगा, टैक्सी करूँ टैक्सी क्या मैं टैक्सी बता,
टैक्सी वाले कॉल कर, एक टैक्सी बुक कर। चल करता हूँ, मिनट रुको, कर रहा हूँ कॉल। एक टैक्सी वाले को कॉल कर। गाइस अभी ना देखो मेरी बात सुन, अभी यार यहाँ पर मैं ना टैक्सी वाले को कॉल कर देता हूँ, पता नहीं गाइस ये कौन से सरप्राइज की बात कर रहा है। अब देखो यार इस चीज़ के बारे में तो यही हमें बता सकता है, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बट कोई नहीं, अब सरप्राइज पहले ना देख लेते हैं, टैक्सी वाले को कॉल करता हूँ, देन उसके बाद देखते हैं कि भाई ये कौन सा सरप्राइज की बात कर रहा है। टैक्सी आ चुकी है गाइस, हैं टैक्सी आ गई भाई, फटाफट सब चलो बैठ ही जाते हैं इस टैक्सी में। और इसकी टैक्सी को क्या हो गया यहाँ पे, ये तो बता दे। अबे टूटी हुई है इसकी टैक्सी, पता नहीं चला गया कोई, कैसी हालत होगी इसकी टैक्सी की। सीधा चल, सीधा चल, जा कर रहे हैं हम लोग, चल रहे हैं ना कहीं पे, चुप रहे तू। अबे यार बता ही नहीं रहे, क्या सीन है। बस भाई बस यहीं पे छोड़ दे, यहीं पे छोड़ दे, यहीं पे छोड़ बस। हां ये क्या मेट्रो के झूठे दिलवाने का तूने मुझे। हां हां कितने रुपए हुए इससे, कितने रुपए हुए थे पता नहीं, वो काट कूट से तो नहीं काट दिए मेरे जो मैंने ऑनलाइन कर रखा है। वो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है तेरे कार्ड से भाई। देखियो मैसेज आया क्या, रुक 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 मैं देखता हूँ एक मिनट, लगता है फोन पे कट गए हैं। हाँ कट गए हैं पैसे, वही वो $10 यहाँ तक आने के। बस भाई इतनी महंगाई होगी क्या 100 सेंटोस की, $4 नहीं लगते यहाँ तक आने के। तू तो कह रहा था मेट्रो में जाना है, अबे पागल है क्या, मेट्रो में कौन जाएगा इधर भाई, क्या चाहता है तू, पता नहीं कैसे कहाँ लेके जा रहा है। चाइना से इम्पोर्ट की जाती है, ठीक है, समझ गया। ये बिल्कुल हूबहू ऐसा तू कह सकता है एग्जैक्ट कॉपी होती है, ठीक है। आज चल एक चीज, चल चल फिर बता क्या दिखाना तूने। आज चल तो भाई दिखाना का चाहता, मुझे तेरी समझ आ रही यार ये। अबे मैं जब मैंने बोल दिया मैं तेरे को दिखाना चाहता हूँ। चल फिर और क्या ये, अबे ये क्या है, ये तो शोरूम है बढ़िया सा। तो चलिए हम चलते हैं VDM कार्स के अंदर। अबे ये क्या तेरा शोरूम है क्या जो सरप्राइज दे रहा है यहाँ पर आके। अबे पागल हो गया है क्या, मेरा शोरूम वो भी इतना ज्यादा लग्जरी। अबे तू तो कहता तेरे पास पैसे बहुत है, ऑब्वियस ही बात है भाई तेरा शोरूम ऐसा हो तो सकता ही है। हाँ देख वो हो सकता है। हेलो सर, हेलो हेलो हेलो, हेलो सर, हेलो, एक्सक्यूज मी मुझे यहाँ पर एक जी जी बिल्कुल बिल्कुल आइए, कैसे हैं आप, बहुत बढ़िया। मैं ज़रा यहाँ पर आया था, मेरे को एक हाइपर स्पोर्ट्स कार चाहिए, ज़रा आप दिखा सकते हैं कुछ मेरे बजट के अकॉर्डिंग। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कुछ इस टाइप की है, लाइक जैसे कि मेरे को चाहिए कोई माफिया लुक टाइप की कार। भाई यार यहाँ पर ये जो गाड़ी है ना यार, ये गाड़ी तो मुझे ऐसी लग रही है कि भाई ये तो अपने शोरूम में नहीं थी पहले। अरसे यहाँ पर पेगानी खड़ी है, ठीक है, उसके जस्ट साइड में दोस्तों यहाँ पर है एक लैम्बोर्गिनी टेरेज़ो। ओ ये टेरेज़ो खड़ी है क्या, ना लैम्बोर्गिनी टेरेज़ो दूर भाई, बढ़िया लग रही है यार ये गाड़ी भी। हाँ। दूर कर रही है बेटा, इससे बढ़िया बढ़िया गाड़ी है मेरे पे, टेंशन मत लिया कर तू। हाँ ये जो लैंड क्रूजर देख रहा है तू, हाँ इसमें वाइट वाइट कलर में मेरे पास भी है सेम। देख पूरी जेट ब्लैक कर रखी है, खतरनाक लग रही है। ओ भाई मैं भी अपनी गाड़ी के अंदर ये मॉडिफिकेशन ना कराऊं क्या, करवानी मेरे पास एक बंदा है तो सही, वो कर देगा बढ़िया मॉडिफिकेशन, टॉप का टॉप क्लास का बंदा है वो। बस मैं यहीं से करा लूंगा, तू रहने दे, कोई नहीं रुक जाए, गाड़ी दिखा रहा है भाई। एक बात तो बता, ये जो अब उससे बात करो मैनेजर, अच्छा अच्छा मस्टैंग का क्या रेट है भाई। हाँ ये वाली मस्टैंग अब कुछ ज्यादा इसकी औकात से ज्यादा नहीं मांग रहा है भाई। मैं तुझे सही बताऊं ना, ये मेरे शोरूम के अंदर भी गाड़ी थी, ठीक है। हाँ। और ये गाड़ी मैंने बेच रखी, सही बताऊं बहुत महंगी बिकती है भाई ये गाड़ी। तो फिर इतनी महंगी क्यों है ये वाली गाड़ी भाई, इसकी तू स्पीड देखेगा ना तो, और इसकी जो पावर है तू भाई हिल जाएगा इस गाड़ी की स्पीड और पावर देखकर, मैं तुझे बता रहा हूँ बहुत खतरनाक गाड़ी है भाई, ये बहुत खतरनाक गाड़ी है। इसीलिए तो देख पूरे अलग ही खड़ी हुई है, पूरे शोरूम के अलग डिफरेंट ही, बीच के अंदर खड़ी हुई है देख ले। हाँ ये बात तो देख तो सही कह रहा है। हाँ बाकी और भी गाड़ियां हैं यहाँ पर, BMW M5 यहाँ पे खड़ी है देख, बढ़िया लग रही है ये भी गाड़ी, ये मैट ब्लैक में है ना। हाँ मैट ब्लैक भी कितनी खतरनाक लग रही है ये भाई, अलग से ब्लैक पैंथर लग रहा है। हाँ ठीक है ऑलराइट भाई, सुपरा भी देखो यहाँ पे, सुपरा रात है ना,
नाइस कार, बहुत बढ़िया है। ओ सुपरा राता ताता ता, ओ भी तेरी, ओ इधर इधर बारा 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 बारा, ये देखियो अबे बैठ के देख। अबे अबे इधर आना, छोड़ उसको एक मिनट इधर आ। हाँ हाँ बत बोल। अरे इसका आके स्टीयरिंग व्यू तो दे चेक कर। सुपरा का? और क्या? क्या है इसमें? तो देखेगा ना अपने पर हैरान हो जाएगा, हंसी आ जाएगी तुझे। भाई पीछे ये मैनेजर। ओ अबे पतीला लगा रखा है क्या? और क्या? अबे इसको ना कस्टम कुछ ज्यादा तगड़ी मॉडिफाइड कर रखी थी भाई, बहुत खतरनाक मॉडिफिकेशन कर रखी है इस गाड़ी में। आगे वाइट है तो चेक कर, डिफरेंट ही वाइट है इसकी। ओ भाई ओ भाई, ये लाइट्स ना कुछ मेरे को उसकी याद दिलाती है यहाँ पर। किसकी? लैंड क्रूजर जैसी लाइट्स है। हाँ डीआरआर उसके ऐसा ही है। हाँ सेम टू सेम लग रहा भाई। रहन दे रहन दे रहन दे भाई, रहन दे, शोरूम में और भी बंदे तंग होंगे भाई तो इसकी वजह से। रहन दे, आ जा आ जा। हाँ, ये कौन सी गाड़ी है भाई, ये बताइए ये कौन सी गाड़ी है? हिरन, हिरन का वो बना हुआ स्टिकर आगे इसके। ये लोटस है। लोटस? ये कौन सी गाड़ी? हाँ, हाँ लोटस लिखा हुआ पीछे। ये इलेक्ट्रिक कार है यार। अच्छा मेरी बात तो सुन, जब गाड़ी तो हम देख रहे हैं बट हम यहाँ पे करने के आए हैं भाई। मुझे गाड़ी चाहिए यहाँ पर अपने लिए, पागल है क्या तू? अच्छा अच्छा भाई, ये जीएमसी तो चेक कर, जीएमसी कह रहा हूँ सॉरी, कैडिलैक तो चेक कर, क्या खतरनाक लग रही है ये कैडिलैक, कुछ ज्यादा ही अल्ट्रा मॉडिफाइड कर रखी है, भद्दी लग रही है। नहीं सर मेरे को ही नहीं चाहिए भाई, ये वैसे मेरे हिसाब से ना ऑफ रोडिंग के लिए, बट ये देख सस्पेंशन वाली बहुत लग रखी है इसके अंदर किट। ये देख इधर आकर सस्पेंशन किट भी लगी है भाई। ये गाड़ी है ना मतलब इस टाइप की, देख तेरे को यहाँ पर शोरूम में खड़ी हुई तो बहुत तगड़ी लग रही है, बट जब तू इनको एक्चुअल मतलब बाहर यूज करेगा ना तो मतलब उस लेवल की नहीं है, बट ठीक ठाक ही है, कुछ ज्यादा सही नहीं है, समझ रहा है? चल ठीक है। बाकी ये चैलेंजर खड़ी हुई ना डॉज की, ये कैसी चैलेंजर है भाई? एक सेकंड, चैलेंजर खड़ी है भाई, इसके पीछे से चेंज्ड है। इधर आइए, मुझे ना ये जो BMW M5 खड़ी है ना इसकी टेस्ट ड्राइव चाहिए भाई। यार ये गाड़ी बड़ी खतरनाक लग रही है BMW M5। ओके आ जाओ बैठ। क्या हुआ चले? हाँ चल, मैं भी एक दूसरी गाड़ी का ले लूँ क्या, कोई अपनी पसंद की? नहीं नहीं पागल है क्या, इधर बैठ इसमें। अबे यार दूसरी गाड़ी ले लूँ तो बेटे। चल तो फिर तू ही हो करा, तू ही हो करा फिर। अबे चलना तू भी साथ। नहीं नहीं तू ही हो करा फिर, तू नहीं चल रहा? ना 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 तू ही हो करा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कोई नहीं कोई नहीं, तू जा जा जा, मैं इधर ही हूँ, मैं देख रहा हूँ गाड़ियाँ वगैरह। साहब आप बैठो, मैं देखूँ यार यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह तो लेकर जाना ही पड़ेगा यार। गाइस यार पता नहीं यार, ये थोड़ा ना बंदा अपना एक जो है मेरे हिसाब से थोड़ा पराया पराया सा कर रहा है यार। मैं चाहता हूँ कि मैं भी कोई गाड़ी गुड़ी की टेस्ट ड्राइव तो हर चीज़ को मना करता है, गाड़ी चलाने को पूछूँ तो तब मना कर देता है, पता नहीं क्या चाहता है वो। देखो वो चलेगा अभी BMW लेकर, पता नहीं गाइस क्या चाहता है। बाकी मैनेजर भी उसके साथ चलेगा, अब तो भाई पूछ भी नहीं सकता कि टेस्ट ड्राइव दे सकता हूँ किस गाड़ी की। बाकी आई डोंट थिंक सो कि वो मुझे कहेंगे कि हाँ भाई ले दो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा लेकर जा चुका है, अगर दो दो गाड़ियाँ लेकर जाएंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, तो आई डोंट थिंक सो कि वो गाड़ी लेकर मुझे भी जाने देंगे। बाकी कोई नहीं भाई, उसको वैसे भी अगर गाड़ी लेनी है लेने दो, कोई नहीं, अपने पास भी भाई कुछ कम गाड़ियाँ नहीं है, सभी सभी की मतलब मेरे हिसाब से हमारे पास ना देखो SUVs ही बची हुई हैं, हमारे पास कोई स्पोर्ट्स गाड़ी तो बची नहीं है। स्पोर्ट्स गाड़ी एक ही है जो हम रेस के लिए यूज़ करने वाले हैं, बट वो भी गाड़ी कैसे हम बाद में ना वापस करने वाले हैं लॉयर को, जिसकी हमने गाड़ी वहाँ पर चुरा रखी थी। ठीक है अब देखो हम लोग ना यार यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं, स्पोर्ट्स गाड़ी भी हमें लेनी पड़ेगी। अगर हम यार रेस जीत जाए ना तो यार आई थिंक सो कि ना मेरे हिसाब से ना हम रेस अगर जीत जाए फिर तो गैस हम ना वो जो रेस के अंदर सुपर गाड़ी मिलने वाली है ना वो गाड़ी गैस हम लोग ना फिर रख सकते हैं, क्योंकि एक बार हम बस रेस जीत जाएँ तभी गैस हमें वो गाड़ी मिलेगी। ठीक है अब देखो यार मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर अब यार इसको कौन सी गाड़ी पसंद आएगी, वो M5 आएगी क्या आएगी, अब देखो मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। बट आगे आप सब भी ये चेक करो, यहाँ पर इन्होंने गाइस एनिमेटेड ये लगा रखा है, क्या कहते हैं VDM कार्स, ये चेक करो आप सभी। हाँ साहब क्या ही खतरनाक लग रहे हैं गाइस ये VDM कार्स यहाँ पर भाई, इन्होंने एनिमेटेड लगा रखा है, मेरे हिसाब से कहीं से तो गाइस निकल रही एनिमेशन वगैरह इसकी, बट जो भी है यहाँ पर गाइस मुझे तो गाड़ी वगैरह ना पसंद आ गई है। बाकी गाइस जो भी है ना इस शोरूम के अंदर जो भी गाड़ी है ना यार मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी भाई। वो मस्टैंग मुझे पता है गाइस वो हमारे शोरूम में भी थी, मुझे याद आ गया, मैंने उसको बेच रखा है ठीक है, एंड वो भी भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बाकी ये सुपरा है खड़ी हुई है, लोटस खड़ी हुई है, ये चैलेंजर थोड़ी डिफरेंट टाइप की खड़ी है बट ये भी बढ़िया लग रही है, और यहाँ पर ये कैडिलैक खड़ी है, देखो है तो SUV और ऑफ रोडिंग के लिए, अब देखो मुझे नहीं पता है क्या चाहते हैं यहाँ पर। बाकी भाई अपना जो माइकल है ना वो तो कह रहा था कैडिलैक ना थोड़ी बेकार सी ही गाड़ी है, आई डोंट नो कि गाइस ये कैसी गाड़ी है, बट फिर भी जो भी है ना मेरे हिसाब से तो गाइस इसकी कैडिलैक की लुक बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। देखो यार एक का तो यही कहना है
कि ये गाड़ी इतनी बढ़िया नहीं है, बट आप सभी को कैसी लगी वो आप सभी जाकर ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से वो कुछ ना फ़ोन वगैरह भी बात कर रहा है, वो भी टेस्ट ड्राइव ये कर आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ना उसके पास जाता हूँ एंड जाकर ना देखता हूँ गाइस वो वहाँ पर ना अभी क्या कर रहा है। क्या हुआ भाई, तूने गाड़ी दे दी क्या यहाँ पे? हैं भाई गाड़ी दे दी तूने यहाँ पर? अरे हाँ, तुझे दिख नहीं रहा क्या? डिलीवरी लिया तेरे भाई ने भाई गाड़ी की, बढ़िया लग रही है गाड़ी यार, गाइस इसने यहाँ पर तो गाड़ी दे दी गाइस है हाँ फाइनली यार मैंने यहाँ पर बीडीएम भाई। कार्ड से बीएमडब्ल्यू M5 ऑन कैश परचेज कर ली है। एंड ये वाली गाड़ी की जो दोस्तों यहाँ पर कीमत है वो है दोस्तों पूरे के पूरे 5.5 मिलियन डॉलर्स, ठीक है, भाई और मैंने इसको ऑन कैश खरीदा है। सही है, ये भी सही है भाई। आप शोर बहुत है, जरा बाहर आके बात करें यार, बहुत ज्यादा पटाखे वगैरह हाँ फूट भाई रहे हैं वहाँ सर, पे। भाई मेरी बात सुनो मैनेजर साहब, आप इस ना बुके को मेरी गाड़ी के अंदर रखवा दीजिए जाइए। अरे यार भाई बहुत ज्यादा ही शोर है, एक तो बाहर यार समझ नहीं आ रही। वो कहाँ गया? हाँ भाई हेलो, क्या हुआ? हाँ इधर ही हाँ हूँ। अबे भाई हाँ इतना क्या हुआ? शोर है भाई, इतना शोर पटाखे इतने, ओ अबे पटाखे बहुत ज्यादा बज रहे हैं, तू बता क्या दिक्कत हो गई? हाँ अरे मैं वही कह रहा था, बातचीत ही नहीं हो पा रही वहाँ पे, तो पटाखे ही इतने बज रहे हैं। हाँ तुझे गाड़ी गाड़ी की कॉन्ग्रेचुलेशंस डिलीवरी दे दूँ? कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना था हाँ मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जा गाड़ी की डिलीवरी लेने को चल पहले। चल दे दे भाई दे दे। ओए जरा मेरा फोटो खींच दियो भाई, वो मैनेजर साहब कैमरा उठा लो जाओ। यार यहाँ पर फोटो खिंचवाई जा रही, बढ़िया चल भाई, मस्त लग रही गाड़ी। वैसे सही बताऊँ मैं तुझे, गाड़ी तो हाँ खतरनाक लग रही है यहाँ पर। देख भाई गाड़ी की तो भाई देख बात ही अलग है। मेरी बात सुन, तू ना एक हाँ काम कर, हाँ गाड़ी में बैठ कर ना गाड़ी की लाइटें जला दी जरा। एक मिनट रुक जा, मैं जगाता हूँ, रुक एक सेकंड, ये रहा ना, यहाँ गाड़ी से की लाइटें बैठना है जलाई ना। तो और मत छेड़ियो। हाँ हाँ नहीं कर रहा कुछ भाई। हाँ भाई यार यहाँ पर देखो अभी भी इसने देखो अजीब सा पराया कर दिया, कहता गाड़ी के बस स्वेटर जगाइयो और मतलब और कुछ मत छेड़ियो यार। पता नहीं गैस भाई, इतनी मैंने इसकी हेल्प की, इतना कुछ किया, तब भी गैस ये मेरे से यही मतलब करना चाह रहा है। अब पता नहीं गैस ये चाहता क्या मेरे से। भाई साहब, दोस्तों मैं किस टाइप का लग रहा हूँ, फोटो कॉमेडी वगैरह खींचिए लग रहा क्या? हूँ? हाँ खींच गई चल गाड़ी से उतर। अच्छा ठीक है, देख बंद हो गई ना लाइटें? हाँ चलो बंद हो गई, चलो। हाँ थैंक यू सो मच, आ जा थोड़े से फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। हाँ पटाखे इतने पटाखे, ओए हो भाई देख पटाखों की आवाज तो देख यार, यहाँ पर आएगी आएगी। भाई इतने पटाखे भाई, कान फाड़ दिए इन पटाखों ने मेरे। अब इस गाड़ी को मैंने ऑन कैश परचेज किया तो भाई देख बहुत कुछ होगा। हाँ शैम्पियन लेकर आ रहा है यार, शैम्पियन चलिए कोई ना मंगवा लीजिए आप, शैम्पियन को पता भाई नहीं यार। ये चेक करो इधर, ये कैसे एक्वेरियम में पता भी नहीं वगैरह, पानी को ये देख फिश घूम रही है देख। अबे ये ना एक एक उस तरफ है एक इस तरफ है, हाँ बाकी बंदे ने ऑफिस वगैरह तो एकदम मस्त बना रखा है ना। VDM कार सा ना, हाँ वीडियम कार्स का शोरूम इधर से देखो एक बहुत बार सही है। वो भाई क्या देख इधर से। रहा है? अरे वही एक्वेरियम ही देख रहा था दोनों साइड से। दिखता है क्या दोनों तरफ से? हाँ 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 दोनों तरफ से दिख रहा भाई, ऑब्वियस ही बात है यार, दूसरा रूम भी तो दिख रहा ही है, तो दिख ही रहा होगा, ये तो भाई मस्त है मस्त है। बढ़िया लग रहा फिर ले भी। ये ले आ, ये ले आ, ये ले आ। ओ अरे भाई भाई शैंपन ये लेकर तो आ गए ये तो। अबे चल 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 भाई चल चल अंदर। यार ये तो भाई कितना कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे ऑब्वियस ही बात है, बड़ा शोरूम है तो करेंगे ही यहाँ पर, है ना। हाँ ये बात है बहुत हाँ सही बहुत सही। चलो चलो हो गया बस, बस बस मेरा चलो। पीने का वैसे मन नहीं है शैंपेन वगैरह, मैं तो भाई वैसे बहुत कम पीता हूँ, छोड़ो अल्कोहलिक तो देख मेरा भाई हूँ नहीं। देख रहा है भाई तेरे ये भाई तो की है, पावर कितनी है, तेरा भाई ना 1 मिनट के अंदर गाड़ी खरीद लेता है, दूसरा ये तो मिनट है मेरा लगा, यार, समझ रहा है ना तू? ये तो है। वैसे तो यार खरीदने को तो मैं भी अबे खरीद तेरी लूँ, बट गाड़ी अभी के ऊपर कैश है नहीं शैंपेन ना। गिरा रहा है बेवकूफ अरे मैनेजर। अरे अरे मत कर भाई, मत कर मत कर, नई नई मेरी गाड़ी है भाई, अगले की मत कर, ऐसी चीज़ें मत करा कर। चल बैठ यार। चलो निकलते हैं फिर यहाँ से, ठीक है चल भाई। ओके भाई मैनेजर, बाय बाय। अबे यार यहाँ से निकल, एक गाड़ी तो तो पटाखों ने मेरे कान फाड़ दिए, गाड़ी निकाल भाई यार यहाँ से। गाड़ी दे ओ भाई गाड़ी तो यार मस्त लग रही है, BMW भी मैट M5 मस्त लगती देख है रहा मुझे, है कैसी BMW भाई गाड़ी सही है। बताऊँ मुझे बहुत खतरनाक लगती है। मेरे हाँ पास भी थी एक हाँ M8 थी फिर वो, बट ये हाँ शेख के बंदों ने जो ब्लास्ट किया ना मेरे घर के ऊपर उसमें वो हाँ फट गई, और मेरे पास i8 भी थी वो भी फट गई अच्छा BMW की, और एक्स मेरे पास i8 एक्स मेरे पास X7 भी थी, बट वो डगन के बंदों ने उस टाइम पे ख़त्म कर दी थी। अब अच्छा BMW का तो शौकीन बहुत हूँ, पर अब ये गाड़ी है मेरी फोड़ देते हैं। अब हाँ इसलिए मैं अपने पुराने वाले जो घर पे रहता ही था ना, पुराने हाँ वाले पे उसी में रह रहा हूँ, नए वाले घर पे जो जहाँ पर मैंने लिया था ना, वो तो यार एक नंबर का ना नैशी, मतलब जहाँ पर समझ सकते हो कि यार वो घर ना मेरे लिए बहुत ख़राब है। जब से उस घर में आया हूँ ना तब से यार मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है।
और क्या, कुछ हो गया तेरे साथ? और क्या, तब से अब मैंने ना उस घर को तो छोड़ ही दिया, अब उस घर में तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा, ठीक है? अब मैं इसलिए सोच रहा था कि घर वगैरह भी ले लूं। मतलब अगर वो घर तेरे लिए लकी नहीं है ना, हाँ हाँ, कोई ना, मैं यहाँ पर कुछ बंदों को जानता हूँ जो कि मतलब काफी सस्ते में करा देंगे, करवा देंगे क्या घर वगैरह, दिलवा देंगे, हो जाएगा, टेंशन ना। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अपने वजह से इस बार ना ही दिलवाऊं, तो अगर तेरे पास कोई बढ़िया बंदा हो ना उसी से फिर भेजेंगे हम घर वगैरह। हाँ हाँ, कोई ना कोई ना। बाकी यहाँ पे क्या करने आया मैं? अब ऐसे ही आया हूँ भाई, क्या एंजॉयमेंट करने? वो काम नहीं करना क्या फिर? हाँ वो काम भी करेंगे, वो तो फिर हमने रात को करना है ना। फिर मेरी बात सुन, फिर मैं निकलता हूँ ना यहाँ से, फिर मुझे क्योंकि वो भी काम है, तुझे पता है। अभी लड़ने की वक्त तेरी, रुक तेरी तो है, और मेरे साथ लड़ रहा, अब भागेगा भागेगा, कहाँ भाग रहा, चल तेरी। अबे एक मिनट रुक रुक, इसकी तो ऐसी तैसी। अबे एक मिनट, चल तेरी रुक, हरे लड़ रहे हैं तो रहने कैसे तू, चल तेरी रुक तेरी रुक तेरी। अबे यार अलग ही झगड़ रहे हैं, मैंने कुछ कहा यार, पता नहीं गाइस क्या चाहते हैं भाई। तूने मेरी इतनी ज्यादा मदद की है ना, तो ये गाड़ी मैंने तेरे लिए खरीदी है, एंड ये मेरी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट है। क्या? हाँ हाँ भाई, ये तो तूने अपने लिए है। अबे नहीं, वो मैं ऐसे ही तेरे साथ ना ड्रामेबाजी दिखा रहा था, ये गाड़ी मैंने तुझे एक गिफ्ट देने के लिए ली है, समझ रहा है तू पागल? अबे भाई हाँ, ये मेरी गाड़ी है। हाँ हाँ, मैंने तुझे दी है भाई ये गाड़ी, समझ रहा है? मैं बिलीव नहीं करता है मेरी गाड़ी है भाई। क्यों नहीं बिलीव करता? चाबी मैंने गाड़ी के अंदर छोड़ दी, मैं तुझको बोल रहा हूँ तू गाड़ी को लेकर जा। हैं, जाऊँ मैं? जा तू लेकर जा। अबे धन्यवाद हो तेरी, ऐसी कैसे धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो। हैं, चल चल चल, मिलता हूँ फिर रात को, ठीक है? मुझे मैसेज कर दे जब फ्री हो जाएगा, ठीक है? मैं निकलता हूँ, ओके बाय। ओके बाय। तो गाइस यार, यहाँ पर अब मुझे पता चला है कि ये जो गाड़ी है ये मेरी गाड़ी है यार यहाँ पर। अरे गाइस यार, मैं तो ऐसे ही कैसे एक एक को बोल ही जा रहा था, मतलब बोल के सोच रहा था कि भाई ये पता नहीं कैसा बंदा है, मैंने इसकी इतनी हेल्प की, तब भी गाइस मुझे थोड़ा पराया पराया सा ना फील करवा रहा था यहाँ पर। बट यहाँ पर गाइस क्या हुआ कि इसने गाइस ये गाड़ी मेरे लिए गिफ्ट की, मतलब मुझे गिफ्ट की है गाइस ये गाड़ी, और ये गाड़ी मिली भी मेरे लिए इसने। अरे यार गाइस, यार बहुत ज़्यादा गाइस मुझे खुशी हो रही है यहाँ पर। अब देखो यार, मैं ना गाइस यार बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे गाइस ऐसा दोस्त मिल गया, देखो, जिसने मुझे इतनी खतरनाक गाड़ी गिफ्ट की, वो भी गाइस कहाँ से, इस शोरूम से। भाई साहब, इस शोरूम से गाइस हमने गाड़ी बाई किया। अभी ना थोड़ी सी ना यहाँ पर गंदी हो गई है मेरे हिसाब से ना, जो उसने शैंपेन वगैरह फेंकी थी ना, उससे ना थोड़ी बहुत यहाँ पर ना साइड में से गंदी वगैरह भी हो चुकी है। तो क्या करते हैं हम लोग पहले ना फटाफट से ना यहाँ से गाड़ी धुलवा लेते हैं, देखता हूँ गाइस कहाँ से गाड़ी धुलवा सकते हैं। देन गाइस यहाँ से ना हम गाड़ी लेकर फटाफट से ना चलते हैं अपने लाइट हाउस घर पर बैनी के पास, एंड वहाँ पर जाकर देखते हैं कि अपनी जो क्या कहते हैं GTR Skyline है ना अपनी निशान की, भाई वो तो रेडी हुई है, जो उसने छोटा मोटा उस पर काम वगैरह करना था ना वो पता कर पा देते हैं। अगर वो रेडी हो गई है ना, फिर तो गाइस यार हम भाई रेस को तो जीत ही जाएंगे। तो फटाफट से क्या करते हैं ना भाई, मैं ना यहाँ पर ना गाड़ी को भगा कर ना निकलता हूँ पहले तो धुलवाने के लिए, ठीक है? धुलवाते हैं गाड़ी को, एंड एक सेकेंड, ओ भाई 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 क्या मस्त चल रही है भाई ये गाड़ी यार, इतनी मस्त भाग रही है ना ये गाड़ी यार, मज़ा आ रहा है इस गाड़ी को भगा कर। बाकी हम लोग देखो कार वॉश पे पहुंच चुके हैं, गाड़ी वैसे ऑलरेडी यहाँ पर धुल रही है, कोई दिक्कत नहीं अभी के लिए। तो हम लोग ना फटाफट से ना गाड़ी को घुमाते हैं, एंड यहाँ पर कार वॉश भाई, एक गंदा सा कार वॉश है भाई, क्या करना है यहाँ पर धुलवा के। नहीं 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 कहीं रास्ते में अगर मुझे दिख गया ना गाइस, मैं वहीं से गाड़ी वगैरह धुलवा लूँगा। तो अभी के लिए कैसे हम फटाफट से क्या करते हैं ना, गाड़ी को ना खींच ही देते हैं रास्ते में। मुझे पता है कोई कार वॉश तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मतलब क्योंकि आप सभी को पता है गाइस जो पेट्रोल पंप्स होते हैं ना वहाँ पर गाइस ये चीज़ें ना आती जाती रहती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी कह दिए ना फटाफट से गाइस मैं गाड़ी को भगाता हूँ, हाईवे पर चलता हूँ, हाईवे पर गाइस पेट्रोल पंप होगा ना वहाँ से गाइस मैं ना फटाफट से ना गाइस एक सेकेंड गाड़ी धुलवा लूँगा। बट मैं इस हाईवे से नहीं जाने वाला, एक सेकेंड मुझे यू टर्न मारना पड़ेगा। यू टर्न मारूँ या ऊपर, नहीं यार, अरे यार यू टर्न ही मारना पड़ेगा एक सेकेंड, क्योंकि आप सभी को पता है गाइस आगे टोल है, और टोल पर गाइस दिक्कत आ सकती है। ऊपर से गाइस मैं यहाँ पर पहाड़ पर भाई नहीं चढ़ा सकता इन गाड़ियों को। तो मैं क्या करता हूँ ना, आराम से ना गाड़ी घुमा ली मैंने, ठीक है, और आगे से ना दूसरे हाईवे की तरफ को ना मैं निकल लेता हूँ। मुझे यहाँ से ना ऊपर चढ़ानी पड़ेगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करता हूँ ना गाड़ी को ना यहाँ से लेता हूँ लेफ्ट, ठीक है, एंड मुझे ना दूसरे हाईवे की तरफ जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं ना रॉन्ग साइड घुसा देता हूँ गाड़ी, क्योंकि यार अब देखो मुझे दूसरे हाईवे पर जाना है,
तो यहाँ से ही जाना पड़ेगा। साइड में से देखो गाड़ियाँ आ रही है और मुझे ना इस गाड़ी को ना आराम से चलाना पड़ेगा। एक सेकंड मैं क्या करता हूँ ना अभी, भाई गाड़ी आ रही है ना, रुको एक सेकंड, इधर भेजी मैंने, ये गाड़ी नहीं आ रही, अब घुमाते हैं गाड़ी को। लेट्स गो गाइस, हमने ना अब देखो एक डिफरेंट हाईवे पे गाड़ी चढ़ा दी है, अभी हम लोग ना फटाफट से गाइस इस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलने वाले हैं। तो फटाफट से गाइस चलते हैं राइट हाउस वाले घर पर एंड जाकर गाइस बैनी को मिलते हैं एंड देखते हैं गाइस अपनी गाड़ी के ऊपर कैसा गाइस काम चल रहा है। तो ऑल राइट गाइस, यहाँ पर हम लोग ना देखो सैंडी शोर्स के अंदर ना देखो एंटर हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग ना देखो पहुँचने वाले हैं स्कॉर्पियन के व्हाइट हाउस वाले घर पर एंड वहाँ पर अपना फ्रेंड बैनी है। मैं जाकर ना फटाफट से ना बैनी से बात कर लेता हूँ। हो भाई अभी मेरी नई निकली गाड़ी जो मुझे अभी एक ने गिफ्ट की थी, अभी मैं वहाँ ठोक देता यार, आराम से चलाऊंगा यार मैं गाड़ी को, मैं नहीं भगाने वाला गाड़ी को यार। तो गाइस अभी क्या सीन है ना, अपना जो बैनी है ना वो यार अभी काम कर रहा ही होगा मेरे हिसाब से। तो गाइस अपनी रेसिंग वाली कार पे, क्योंकि कल गाइस टूर्नामेंट होने वाला है रेसिंग का एंड वहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। देखो एक ने मुझे कहा है कि मैंने भी रेस करनी है एंड क्योंकि मैंने उसको बताया था रेस के बारे में, बट यहाँ पर गाइस क्या सीन है ना कि यार उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो नहीं रखी और रजिस्ट्रेशन आप सभी को पता है कि ये बैनी ही कर सकता है। तो गाइस मुझे बैनी से भी बात करनी पड़ेगी थोड़ा सा ना, यहाँ पर ओवरटेक हम लोग कर लेते हैं क्योंकि तो यार बहुत ज़्यादा सो जा रही थी वो गाड़ी एंड मुझे इतनी भी नहीं भगानी कि भाई मैं गाड़ी को ठोकने के मुकाम पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि आप सभी ने देखा ही है कि पीछे यार मैं ऑलमोस्ट कहीं इस गाड़ी को ना ठोकने ही वाला था। भाई यार नई नई वाली गाड़ी थी, बट जो भी बोलो ना गाड़ी यार बहुत बढ़िया लगी है वाली मुझे। देखो यार वहाँ पर ना अपने क्या कहते हैं स्पोर्ट्स कार भी थी, सुपर कार भी थी, बट यार अगले ने देखो गिफ्ट करना था तो भाई मुंह फाड़ के क्यों गिफ्ट मांगू यार मैं, मुझे भी शर्म आती है गाइज। तो यार वहाँ पर ना देखो सबसे सस्ती गाड़ी तो गाइज यही थी, वैसे सबसे सस्ती गाड़ी ना वहाँ पर थी लैंड क्रूज़र, बट SUV तो गाइज हमारे पास बहुत है। तो इसे यार मैंने क्या सोचा ना, देखो अपनी BMW M8 थी ना वो तो फट चुकी है और BMW का गाइज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक है, इसलिए गाइज फिर मैंने कहा कि ये M5 ही ले लेते हैं ना, यही बेहतर रहेगी गाइज। तो यहाँ पर देखो हम लोग ना आ चुके हैं अभी अंदर अपने व्हाइट हाउस वाले घर पर। यहाँ पर मुझे यहाँ पर कोई देख क्यों नहीं रहा है, एक सेकंड गाइज यहाँ पर कोई भी नहीं, एक सेकंड वो बैनी को चेक करो अभी भी गाइज वो इंजन की तरफ लगा हुआ है। मैं गाड़ी को ना यहीं पे खड़ी कर देता हूँ गाइज, यहाँ पर ना गाड़ी मेरी मेरे हिसाब से ना यहीं पे बेहतर रहेगी। ठीक है गाइज मैंने यहाँ पे अपनी ना गाड़ी को ना खड़ा कर दिया है एंड वहाँ पर देखो मुझे बैनी ने शायद देख लिया। यहाँ भी बैनी के हालचाल, भाई तूने गाड़ी वगैरह ठीक कर दी क्या मेरी, मतलब ठीक किया मतलब जो जो काम करने थे तूने उस गाड़ी के ऊपर। हाँ हाँ तो ओके। तो गाइस यहाँ पर देखो मुझे ना अभी बैनी बता रहा है कि ना गाड़ी पर तो काम हो चुका है, ठीक है, बाकी पूछ रहा है कि ये गाड़ी कहाँ से आई है। अरे यार एक मेरा फ्रेंड है तुझे मिलवाऊंगा यार एंड उसी के बारे में ना मुझे बात भी करनी। नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, पहले रुक जा मेरे साथ जाइए अभी नहीं, पहले हम गाड़ी के बारे में बात करें फिर देता हूँ तुझे टेस्ट ड्राइव भी। खास यहाँ पर ना देखो मैंने ना टेस्ट ड्राइव मांगने लग गया था, बट यहाँ पर आप सभी को पता है यार नई नई गाड़ी है अकेला जाएगा क्या पता गाड़ी ठोक ठोक के ना जाए, इसलिए यार मैं इसको नहीं भेज रहा अपने अकेले, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ना बात कर रहे थे, मेरी बात सुन, ये गाड़ी ना मुझे एक मेरे फ्रेंड एके ने गिफ्ट की है एंड उसने भी यार रेस के अंदर ना पार्टिसिपेशन करनी है। तो यार तेरे पास यार कोई अभी फॉर्म वगैरह अवेलेबल है जो वहाँ पर उसको जगह मिल पाए? ओके ओके। तो गाइस यहाँ पर बैनी ने कहा कि हाँ उसके पास अवेलेबल तो है, बट अब एंड मौके पर अब वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं वो उन्हीं के ऊपर है। देख यार बैनी यार जो मर्जी करे, तुझे पता है तो नाम तेरा कितना है लॉस एंड्रोस के अंदर, और यार तेरी बात तो वो सुन भी देंगे। तो यार तू प्लीज़ यार ट्राई कर कि यहाँ पर ना हम लोग ना अपना क्या कहते हैं उस बंदे को भी ना रेस के अंदर ऐड कर पाएँ तो ही बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर अच्छा ओके। तो कैसे यहाँ पर ना देखो बहनी ने मुझे यहाँ पर यही कहा है कि ना गाड़ी के ऊपर ना काम बढ़िया हो चुका और जो बंदे की बात है शायद मैं उसका ट्राई कर लूँगा। यहाँ पर गाड़ी के ऊपर काम बढ़िया हो गया ना, पता क्या कर इसका बोनट बंद कर दे। मैं ना पता क्या करता हूँ एक बार टेस्ट ड्राइव देखकर आता हूँ, तो साथ में चल मेरे, ठीक है, तो बेहतर रहेगा क्योंकि गाड़ी देख मैंने चलानी है वहाँ पर, तो मैं अगर टेस्ट ड्राइव दूंगा ना तो ही सही रहेगा। अगर मैं नहीं चलाऊंगा और तू ही चला कर दिखा देगा तो भाई क्या ही फायदा, क्योंकि गाड़ी तो कैसे मैंने ही चलानी रेस ट्रैक के ऊपर, तो बेहतर यही रहेगा कि मैं ही इस गाड़ी को ट्राई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपना बैनी देखो साथ में बैठ ही चुका है और मैंने ना यहाँ से तो इस एरिया से तो गाइस गाड़ी ना निकाल दी है। अभी क्या मैं करता हूँ ना कि हम लोग ना हाईवे पर चलते हैं फटाफट से एंड वहाँ पर हम लोग ना इस गाड़ी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि यार आप सभी को पता है
कि यार इन रोडों पे ऑब्वियस ही बात है गाइस, ऐसी पावरफुल गाड़ी ना बिल्कुल भी चेक नहीं हो सकती, नॉर्मल भाग सकती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इसके अंदर ना देखो अपना क्या कहते हैं बूस्ट भी लगे हुए हैं, बट रास्ता यहाँ से है एक सेकेंड। अरे अरे भाई पावर बहुत ज़्यादा है भाई इसके अंदर, भाई बैक रिवर्स भी कर रहा था ना मैं, तब भी कैसे इतनी पीछे इतनी तेज गई ना ये गाड़ी, मैं तो हल्का सा इस पैडल पे पैर रखा था, बट चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भाई गाड़ी के अंदर बहुत पावर है। एंड हम लोग ना यहाँ पर हाईवे पे आ चुके हैं, लेट्स गो, मैंने हाईवे पे चढ़ा दी है, अभी हम लोग ना फटाफट से बूस्ट देते हैं। और यहाँ पर इसने एक बढ़िया चीज़ कर दी कि यहाँ पर भाई वो दिखे ही ना फ्लेम्स वगैरह, वो बस एग्जॉस्ट के थ्रू ही दिखे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना अलग से दिख रही थी फ्लेम्स इसके यहाँ पर, कि अगर बूस्ट होगा ना वो पता वगैरह था, बट इसने वो चीज़ यहाँ पर हाइड कर दी है। भाई क्या ही बढ़िया चीज़ कर दी है यार, यहाँ पर जस्ट एग्जॉस्ट दिख रहा है ना कि कोई बूस्ट वगैरह, भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ कर दी है यहाँ पर। हम लोग पता क्या करते हैं, अब थोड़ा सा ना आगे की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये ना थोड़े कर्व्स वगैरह हैं यहाँ पर इस हाईवे पे, तो इसलिए हम थोड़ा स्ट्रेट हाईवे ढूंढते हैं, जैसे कि ये वाला हाईवे, यहाँ पर मैं कंट्रोल कर लूँगा इस गाड़ी को, तो मुझे ना कट मार के ना थोड़ा सा आगे लेकर जाना पड़ेगा। लेट्स गो गाइस, बूस्ट मारा मैंने, एंड ये अभी गाइस चल रही है गाड़ी 240 पर, लेट्स गो एक और बूस्ट मारते हैं। लो भाई ज़्यादा तेज नहीं भाग रही यार बूस्ट पे, भाई ज़्यादा काम नहीं किया क्या तूने यार इस पर, बूस्ट वगैरह अगर लगाने तो लगा दे। ओके, तो क्या जहाँ पर बहनी ने मुझे यही बताया कि उसने ना एक नाइट्रो ना कम कर दिया यहाँ से, क्योंकि यार वहाँ पर बस दो ही नाइट्रोस अवेलेबल हैं, मतलब अवेलेबल हम गाड़ी के अंदर रख सकते हैं, अगर हमने ज़्यादा गाइस यहाँ पर नाइट्रोस लगाएं तो वो हमारी गाड़ी कैंसिल कर सकते हैं वहाँ से, एंड कहेंगे कि तुम इस रेस को पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए ना यार पार्टिसिपेट करने के लिए हमें भाई यहाँ पर ना दो बूस्ट हटाने पड़ गए, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम लोग भाई बहुत ज़्यादा दूर आ गए मेरे हिसाब से तो, बट यहाँ से ना हम लोग क्या करते हैं यू टर्न लेते हैं, वापस से ना हम स्कॉर्पियन के व्हाइट हाउस वाले घर पर जाते हैं। ओके लेट्स गो, यहाँ पर मैंने यू टर्न ले लिया, अब भगाते हैं गाड़ी को। एंड अब यार देखो बैनी को मैं कह देता हूँ कि अब तो इस गाड़ी को तू चला दे, मैं अपनी BMW वैसे ना इसने टेस्ट ड्राइव लेनी थी, अब क्या करूँगा इस, देखो यार भगाए ना बस ज़्यादा, क्योंकि यार देखो मैं भी अब आराम आराम से लेकर आया, एक जगह भी नहीं गई मैंने गाड़ी रोकी, क्योंकि अब मुझे पता है इस गाड़ी की कैसे केयर करी जाती है, ऊपर से गाइस ये गाड़ी तो हमने रेस में भी यूज़ करनी है, तो यार क्यों भाई मैं नहीं चाहता कि ये गाड़ी ठुके, ऊपर से गाइस वो जो अपनी BMW अभी हमें यार एक ने गिफ्ट की है ना, वो गाड़ी भी गाइस मैं नहीं चाहता कि उस गाड़ी को भी कुछ हो, तो इसलिए गाइस बैनी को ना मैं यही समझाऊंगा कि थोड़ा सा तो आराम से चलाइए, थोड़ा सा ना इसको हाईवे पे दे देंगे गाड़ी चलाने के लिए, यहाँ से हमने निकलना तो है ही है। भाई कैसे कट मार रहा था ये लिमोजिन वाला था, ये नॉर्मल सेडान नहीं थी, पता नहीं क्या थी, बट जैसे भी थी भाई वो गाड़ी ना यार अब अगर किसी तरीके से कट मार के बस राइट साइड को लेकर रहने वाला था जहाँ से हम गाड़ी अपनी लेकर जा रहे थे, बट शुक्र है गाइस उसने ज़्यादा नहीं मोड़ी जिसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ। बट हम लोग ना देखो यहाँ पर ना इस गाड़ी को भगा कर ना पहुँचने वाले हैं व्हाइट हाउस वाले घर पर, और मैं ना इसका बूट्स ना इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि आप सभी को पता ही है कि यार यहाँ पर ना अगर हमने ज़्यादा बूट्स यूज़ किया तो भाई रेस के टाइम पर ख़त्म ही हो जाएगा, तो इसलिए भाई दो तीन बार हमने यूज़ कर लिया, दैट्स ऑल। अब यहाँ पर हम लोग ना पहुँच भी चुके हैं व्हाइट हाउस वाले घर के रास्ते पर, बट यहाँ पर कुछ गाड़ी आ रही, मैं भगा देता हूँ फटाफट से गाड़ी, लेट्स गो अभी ना चलते हैं अपने घर पर, एंड वहाँ से अपनी BM ने उठाते हैं। BM तो देखो थोड़ी सी ना बैनी को दे दूंगा, बैनी चला देगा प्रिजन तक, गाइस ये गाड़ी चलाने देता हूँ इसको प्रिजन तक, इसको कह दूंगा कि प्रिजन तक तू गाड़ी चला दे बाबा जी, उसके बाद मुझे दे दियो, क्योंकि नई नवे जी गाड़ी है, मैं नहीं चाहता कि गाड़ी को कुछ हो, ठीक है। तो लेट्स गो यार अभी के लिए ना फटाफट से ना बस हम ना एंटर हो जाते हैं व्हाइट हाउस वाले घर पर, ये देखो हम लोग गाइस यहाँ पर एंटर हो चुके हैं, एंड अपने यहाँ पर देखो गाड़ी भी खड़ी है। लेट्स गो, भाई बहनी मेरी बात सुन, तो पता क्या कर, इस गाड़ी को भी और प्रिजन तक चलाइयो, उसके बाद मुझे दे दियो, ठीक है, और आराम से चलाइयो, ज़्यादा बखाने दो, ठोकेगा ना फिर तू देखियो। भाई यहाँ पर अब देखो बहनी को देखो, मुझे मैंने गाड़ी तो दे दी है, और यहाँ पर मुझे डर भी लग रहा है कि बहनी बस ठोक ना, देखो वैसे तो आराम से लेके जा रहा है यार, आई डोंट थिंक सो कि वो गाड़ी को ठोकेगा, बस हम लोग भी आराम से गाड़ी को जो है ना इसके पीछे पीछे लेकर चलते हैं, एंड देखते हैं कि भाई गाड़ी कैसे चला रहा है। वैसे थोड़ी सी इसने रेस दी यहाँ पर, बट कोई दिक्कत नहीं यार, इतनी तो भाई उसको चलानी आती है, ऑब्वियस बात है इतना बड़ा, भाई मैं कह नहीं गया इतना बड़ा मॉडिफिकेशन वाला भाई बंदा है ये लॉस सैंटोस के अंदर, सैंडी शोर्स के अंदर, पलिटो बे के अंदर, और लिबर्टी सिटी में भी इसका नाम गाइस चलता है, तो ऑब्वियस बात है गाइस आराम से ही चलाएगा भाई, इसको भी समझ है गाड़ियों की, इसको भी भाई पता है कि गाड़ियाँ कैसे संभाली जाती हैं। तो भाई हम लोग ने ना गाइस यहाँ से ओके टर्न लेना ना, ठीक है, मेरे हिसाब से हमने नहीं, हाँ सही है गाइस, मुझे लगा हमने गलत टर्न लिया, बट नहीं
हमने सही टर्न लिया है आगे जाके, तो गाइस वो जहाँ से मैं आया था वहाँ से ही आना पड़ता, तो वो हाईवे नहीं होता, फिर हाईवे तक इसको थोड़ी चला के देनी है ना, क्योंकि इसको चेक भी करनी है गाड़ी कैसी चल रही है, हाईवे पे ही बेस्ट चेक हो जाती है, नॉर्मल रोड्स पे तो गाइस होती नहीं क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक वगैरह बहुत होता है। बस हम लोग ना यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं हाईवे की तरफ, एंड यहाँ से देखो ये हॉर्न मार कर रहा, बस निकलने की कर रहा, बस ध्यान से निकलो गाड़ी वगैरह ना ठोक दे कोई, और आराम से चला भाई। अभी वो देखो कैसे गाड़ी चला के जा रहा था, वो खटारा सी, ओ भाई पैनी ने गाड़ी खींच दी तेरी, एक बार बूश मारो तो सही, एक मिनट भाई पैनी गाड़ी खींच के जाएगा भाई प्रिजन तक, तो ये ऐसे ही पहुँचा देगा मेरे हिसाब से। तो ये देखो ये जा रहा बैनी सामने हमारे, भाई भाई साहब बहनी ने तो पूरी गाड़ी खींची हुई, मैं तो इसको आराम आराम से चला रहा था भाई, बहनी नहीं 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 भाई प्रिजन तक की तूने आराम से चलानी है, उसके बाद तो दे दूंगा मेरे हिसाब से। तो भाई जब फुल चेक कर रहा है, ओ भाई अभी भाई हम लोग ना वहाँ से अभी बच चुके हैं, ठीक है अभी हम लोग ना यहाँ पर आ चुके हैं अपने प्रिजन पर, एंड बहनी मुझे यहाँ पर देख नहीं रहा, मैंने कहा था उसको प्रिजन तक की गाड़ी चलाइयो, एक सेकेंड बहनी किधर गया भाई, भाई मुझे पहने नहीं दिख रहा यहाँ पर, अरे फिर मैंने ये रहा हॉर्न मार रहा बोरा भाई, पहने तो यार दूसरे रोड पे खड़ा हो गया यार, हमने तो जाना था इस साइड से, बट वो आगे लेके जा रहा है गाड़ी को, अरे अरे मेरा पूछ दब गया, मैंने तो हॉर्न दबाना था भाई, इसके साइड में गाइस बटन दाना, मैंने गलती से वो दबा दिया, भाई हेलो गाड़ी रोक, अरे 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 भाई कंट्रोल नहीं हो रही भाई, ये गाड़ी के बूस्ट ओपन हो रहे हैं, लेट मी गाइस स्टॉप दिस कार हियर, आ जा भाई बहनी, बस 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 बहुत चबाइए भाई बहुत चबाइए, आ जा कैसी लगी भाई गाड़ी वैसे तुझे, ये बता गाड़ी कैसी लगी, इतनी बढ़िया गाड़ी लगी ना मुझे यहाँ पर भाई, यहाँ पर ना देखो बहनी ना खुश हो चुका है यार, इसको ना गाड़ी यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है भाई, यार गाड़ी तो वैसे बहुत ज़्यादा बढ़िया, मेरी बात सुन बहनी, थोड़ी बहुत ना वैसे ट्यूनिंग की भी ज़रूरत है इसको, कोई नहीं हम ट्यूनिंग वगैरह भी ना तेरे से करवा दूंगा मैं, बट अभी क्या था भाई हमने रेस का पहले हम ना जीत गए रेस को, और वहाँ से जो हम ना गाइस गाड़ी जीतेंगे ना वो देखो यार, मुझे भी पता नहीं कि वहाँ पर गाड़ी कौन सी आने वाली है रेस टूर्नामेंट के अंदर जो हम लोग ना सुपर कार जीतेंगे, अब लेट्स सी गाइस हम वहाँ पर क्या करते हैं। देखो अभी मेरा और ना बहनी के बीच में यही डिसाइड हुआ था कि ना जो गोल्ड प्राइज मनी और कहते गोल्ड मिलने वाला ना वहाँ पर जीतने पर, वो गाइस क्या कहते हैं अपना बैनी रख लेगा, जो सुपर कार वो गिफ्ट में देने वाले हैं जो फर्स्ट आएगा वो मैं रखूँगा, बट यहाँ पर देखो क्या सीन है ना, यहाँ पर ए के भी आ चुका है अब, तो यार यहाँ पर थोड़ा सा तो मेरे हिसाब से ना मुश्किल हो सकता है। देखो यार ए के अगर जीत गया तो गाइस ए के गाड़ी ले जाएगा, अगर गाइस मैं जीत गया तो मैं गाड़ी ले जाऊँगा, बट अब करें तो करें क्या यार, हम दोनों भाई भाई हैं, मैं नहीं चाहता कि यार वो हारे, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं भी हारूँ, अब समझ नहीं आ रही। देखो बैनी भी बीच में, अगर बैनी ना बीच में होता तो मैं उसको गोल्ड दे देता जो भी उन्होंने प्राइज मीनिंग रखी है वहाँ पर। अब देखो कर क्या सकते हैं हम लोग, अभी कहे तो कैसे हम लोग पता क्या करते हैं भाई, यहाँ से तो हम निकल ही चुके हैं अपने क्या कहते हैं लॉस सैंटोस वाले घर पर, वहीं पर जाएंगे एंड जा करना भाई, वहाँ पर जाकर डिसाइड करेंगे मैं और बैनी कि अब यहाँ पर करना है, क्योंकि यहाँ पर ए के भी आ चुका है, और ए के गाइस आप सभी को बताऊँ वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा ड्राइवर है, आई डोंट थिंक सो गाइस वो पीछे रह जाएगा मेरे से, वो भी भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया गाड़ी चलाता है, तो यार गाड़ी मेरे हिसाब से ना वो रेस में जीत भी सकता है, आई है सही बताऊँ मेरे पास कोई क्लू नहीं है इस चीज़ का कि भाई वो जीत सकता है कि नहीं, मैं देखो अभी इमेजिन ही कर रहा हूँ, बट जिस हिसाब से मैंने उसकी ड्राइविंग वगैरह देखी है ना उस हिसाब से तो गाइस एक ही गाइस जीत सकते हैं रेस के अंदर यार, और यहाँ पर थोड़ा सा ना ट्रैफिक आ चुका है भाई, उस गाड़ी का हाल तो चेक करो आप सभी लोग, ये देखो गाइस वो गाड़ी पिचकी पड़ी है पीछे से भाई, क्या गंदा हाल हो रखा है इस गाड़ी का, ओ भाई आगे से तो सही है, अरे इस गाड़ी को देखने के चक्कर में भी मैं ठोक देता, बट चलो कोई नहीं भाई, मैं ना अपनी गाड़ी चलाने पे ना फोकस करता हूँ, मैं और किसी जगह पे ना फोकस नहीं करता। लेट्स गो गाइस अभी हम लोग ना फटाफट से चलते हैं अपने माइकल के ना ओल्ड हाउस पे जहाँ पर हमने रेनोवेशन वगैरह करवा रखी है, तो फटाफट से ना गाड़ी को भगाते हैं एंड चलते हैं सीधा माइकल के घर पर। सो गाइज हम लोग ने देखो लॉस सैंटोस पहुंच चुके हैं, बाकी पैनी गाइज वो जा रहा है लेफ्ट साइड रॉन्ग साइड भाई घुस चुका है बैनी, एंड हम लोग गाइज ये देखो घर पर अपने पहुंच चुके हैं। देखो यार मैं ना अभी यार अपने ना मलिबू मेंशन बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, ठीक है कभी कभार जाऊंगा, बट अभी अभी तो भाई मेरे दर्शन तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले मलिबू मेंशन के अंदर, ठीक है तो अभी देखो गाइज हम लोग ना घर पर आ चुके हैं, एक सेकेंड भाई यहाँ पर भाई एक सेकेंड, ये क्या रेंज रोवर भी ठीक होके आ चुकी है,
डिफेंडर तो चलो अपना सिक्योरिटी गार्ड लेकर आ गया होगा, बट यहाँ पर अपनी क्या कहते हैं लैंड को जरा कैडिलैक भी आ चुकी है भाई। ठीक होकर ठीक है, मतलब यार इसकी तो कैडिलैक की तो हैंड ब्रेक थी, इसको तो चेक ही करना था बस लैंड क्रूजर को, बाकी तो सब कुछ डन ही था। एंड वहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो वो अपने क्या कहते हैं ये जो अपना ट्रक था ना ब्लू वाला सिक्योरिटी के लिए मैंने ले रखा था, यही देखो हमारी सिक्योरिटी का ना एक ट्रक बचा था, एक और बड़ा ट्रक भी था बट वो नहीं बच पाया। अब इसीलिए ना गाइस ये जो ट्रक है ना भाई अब यही बचा हुआ अपनी सिक्योरिटी के लिए, यही अपनी सिक्योरिटी है राइट नाउ के लिए। कोई दिक्कत नहीं यार, हमने देखो अभी घर भी देना है, और मुझे मैंने एक को भी बोला था कि यार कोई घर वाला बंदा होगा ना ढंग का घर दिलवा दे, कहता कोई दिक्कत नहीं मैं दिलवा दूंगा मेरे पास है बंदे वगैरह, तो यार मैंने कहा यार मुझे एक बंदे ने दिलवा दिया था भाई, उसके बाद से तो यार अपना कहते हैं ना पनौती वाला घर मिल गया था और मैं अब चाहता हूँ कि उस बंदे से ना लूँ। तो कोई नहीं, अब एक का जो बंदा है ना वो ही मुझे अभी ना घर वगैरह दिलवाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार। यहाँ पर मैं ना मैं क्या करता हूँ गाड़ी को ना मैं भी ना सीधी करके लगा देता हूँ भाई। यहाँ पर ना मैंने अपनी ना गाड़ी को देख रहा था, अलॉय व्हील्स वगैरह चेक कर रहा था, क्योंकि गाइस इसके जो अलॉय व्हील्स है ना भाई बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है भाई, बहुत अच्छी लुक्स हैं इनके अलॉय व्हील्स की। यहाँ पर बहने भी कह रहा है क्या मस्त अलॉय व्हील्स हैं इसके यार। यार ऑब्वियस ही बात है मेरी गाड़ी है, मैंने यार चूज़ किया था, ऑब्वियस ही बात है गाड़ी के अलॉय व्हील्स तो ऐसे ही होंगे। और भाई जो मर्जी कहो गाड़ी की जो आँखें की आगे की लाइट है ना, इसकी आँखें गाड़ी की आँखें भाई ये बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लग रही हैं यार, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। गाइस ऑब्वियस ही बात है BMW ही होती है यार, मुझे BMW बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंद है। ठीक है गाइस यहाँ पर देखो गाड़ियाँ वगैरह अपनी सब सेट हैं, सिक्योरिटी वगैरह भी सेट है, चलो कोई दिक्कत नहीं अभी है ना, फटाफट से ना हम लोग ना अंदर जाते हैं एंड अपनी फैमिली वगैरह से भी मिलते हैं। एंड यार मैं और बैनी ना डिस्कशन वगैरह भी कर लेते हैं कि अब यहाँ पर हमें करना क्या चाहिए यार। अब देखो एक ही एरेज के अंदर, अब देखो यार बैनी से मुझे सजा लेनी पड़ेगी, चलो कोई दिक्कत नहीं फटाफट से ना हम लोग ना अंदर ही चलते हैं। देखो गाइज अभी हम लोग ना देखो घर में ना अंदर ही जाने वाले थे, बट उससे पहले गाइज मुझे देखो याद आ गया कि यार अपने जो स्काईलाइन है ना ये ना देखो यहाँ पर बाहर शर्याम खड़ी ऊपर से गाइज चोरी की गाड़ी, ऊपर से गाइज लॉयर की गाड़ी है गाइज ये, अगर पुलिस वगैरह ने ये गाड़ी देख ली ना यहाँ पर खड़ी हुई बस फिर गाइज रेस तो भाई हमारी रेस के अंदर ही हो जाएगी, रेस बना देंगे, रेस भी नहीं रेस बनाएंगे हमारी। तो इसलिए हम लोग पता क्या करते हैं, देखो बैनी को मैंने बताया कि डिफेंडर तू आगे कर, मैं ना अपने क्या कहते हैं निशान को इधर खड़ी कर देता हूँ, और कैडिलैक को भी ना मैं जाकर ना खड़ी कर देता हूँ, रुक जाओ बाकी तो अपनी लैंड क्रूजर की तो नीड नहीं है खड़ी करने की, वहाँ पर बस हमें सीधा फिर गैराज के अंदर ही खड़ी करनी है अपनी क्या कहते हैं स्काईलाइन। बट सामने साइड हो जा, मैं ना बस आराम से ना कैडिलैक को करना जाकर ना थोड़ा सा इधर को करके ना खड़ी कर देता हूँ, बाकी यहाँ पर स्काईलाइन लेकर ना वो तो को अंदर जा ही रहा है। चलो अब हम लोग ना क्या करते हैं बैक को ले जाते हैं इस कैडिलैक को भी, अब तो फायदा नहीं है गाइस आगे खड़ी करने का, क्योंकि अपनी बैनी जो है ना वो गाड़ी को ना अंदर देखो गैराज के अंदर ना लेकर जा चुका है। एंड अब ना मैं डिफेंडर को जोन से जिसकी जगह थी ना वहाँ पर इसको खड़ा कर देता हूँ। एंड मैं BMW को पीछे इसलिए नहीं लेकर जा रहा क्योंकि यार BMW तो हम चलाएंगे यार अभी कुछ दिन, तो ठीक है गाड़ियाँ अपने पास बहुत हैं, बट गाड़ियाँ पता कैसी हैं बहुत, बस SUV बच गई हमारे पास, तो बस SUV ही SUV हैं, स्पोर्ट्स कार अब आई है हमारे पास हाथ में, वो भी फ्री में आई है, गिफ्ट दी है भाई AK ने। ठीक है यार सही बताओ ना, अब देखो AK ने तो गिफ्ट हमें दे दी यार यहाँ पर, अब गाइस क्या सीन है कि यहाँ पर AK ने गिफ्ट दे दी, बट यार हमारा भी बनता है यार उसको गिफ्ट वगैरह देना, तो अभी के लिए तो गाइस हम लोग ना क्या करते हैं सोचते हैं कि कैसे अब AK को गिफ्ट यार क्या दें, बट यार हमारे पास अभी थोड़े बहुत ही पैसे हैं जो हमने ना अभी घर में लगा देने हैं घर लेने में, तो कोई दिक्कत नहीं यार अब करते हैं यार थोड़ा काम वगैरह, अपने शोरूम से तो पैसे वगैरह आएंगे ना यार, अपना शोरूम भी तो चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं यार शोरूम से पैसे आएंगे ना, तो शोरूम से ही अपनी गाड़ी क्या पता मैं गिफ्ट कर दूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हम लोग ना अंदर जाते हैं, मैं और बैनी ना मेरे रूम में ही चलते हैं, वहाँ पर जाकर कैसे हम लोग ना बात कर लेते हैं फटाफट से कि यार अब करा तो करा कह जाए, बाकी यहाँ पर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की फ़ोटो ये लगी हुई है, मेरी फोटो लगी है, और हम गाइज इन सिक्योरिटी को और इनके सिक्योरिटी लीडर को गाइज बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिस कर रहे हैं। हाँ आप सभी लोग देख सकते हो क्या प्यारी सिक्योरिटी थी, बट जब वो शेख के बंदे आए थे ना गाइज इतने तगड़े हेलीकॉप्टर लेकर, वो गाइज यहाँ पर मेरी सिक्योरिटी और मेरी सिक्योरिटी लीडर को और मेरी सभी की सभी गाड़ियाँ को ख़त्म करके चले गए, और कुछ डैमेज वगैरह भी मेरे घर के ऊपर कर दिया उन लोगों ने। हाँ गाइज ये लोग तो चलो जा चुके हैं, रेस्ट इन पीस गाइज, ध्यान रखना ऊपर ठीक है अपना, बाकी यहाँ पर अपने रेड सिक्योरिटी तो हमारे साथ में ही अभी, एंड इनकी फ़ोटोज़ ना गाइस मैं यहीं पे रह ही रहन दूंगा यार, बहुत बढ़िया थे अपने सिक्योरिटी गार्ड। एंड यहाँ पर भी अपने सिक्योरिटी गार्ड की देखो फोटो थी ना ये वाली, ये भी यहीं पे रह गई ठीक है। तो
तो यहाँ पर हम लोग ना देखो अपने ना रूम में आ चुके हैं, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से ना यहाँ से अपना बेड वगैरह ना जा चुका है। मेरे हिसाब से तो गाइस बेड वगैरह भी ठीक होना, क्या पता क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर है नहीं है। मांडा वगैरह ने ना गाइस भेज दिया हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ना हम लोग ना फिर यहीं पर ना बात कर लेते हैं। एक सेकेंड गाइस, मैंने ना यहाँ पर कुछ सोचा था, बट कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ो यार, ये तो अपना वैसे भी भाई छोटा घर है, अपनी फैमिली का घर है, ऊपर से मांडा ने भी गाइस यहाँ पर आकर ना सोना होता है, तो इससे जाना गाइस ये बेड ना मांडा का यही सही रहेगा। यहाँ पर मैं कुछ और सोच रहा था बनाने के लिए, बट यहाँ पर नहीं बन पाएगा, तो क्या ही फायदा गाइस उसके बारे में बात करने का। बट यहाँ पर हमने गाइस क्या बात करनी है, जो AK का सीन है गाइस, AK को गाइस हमें रेस में जीना है, एंड रेस में गाइस अब अगर वो जीत गया तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। देखो यार, मिलने को शायद मिल भी सकता है, बस वो मेरे हिसाब से गोल्ड ही मिल जाएगा, क्योंकि वो बंदा भी गाइस गाड़ियों का ना बहुत ज़्यादा शौकीन है, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से तो गाइस वो गाड़ी ज़रूर रखेगा अगर वो जीत जाएगा। अब देखो यार, दोस्ती है, दोस्ती में अगर इतना नहीं कर सकते तो यार क्या ही कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, देखो यार जो होना होगा ना हो जाएगा, गाड़ी में आ जाऊँगा, ठीक है, नहीं तो गोल्ड होगा ना, गोल्ड फिर आधा आधा ये दोनों बांट लेंगे, ठीक है। बाकी मैं उससे पूछूंगा, वैसे वो कह तो रहा था उसके पास पैसा बहुत है। आई डोंट थिंक सो गाइस कि वो चीज़ ये, अगर हम रेस जीतते हैं तो वो हमसे गोल्ड या गाड़ी मांगेगा। बाकी अगर वो जीता तो कोई दिक्कत नहीं, उसके पास जो जाना जाने देना, गोल्ड भी चाहे वो ही रख ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अपना भाई जैसा ही है, वो भी भाई है यार अपना, वो भी ठीक है, अपने जैसा ही दिखता है, ठीक है। तो अभी के लिए देखो यार, मैं बैनी को बना ये चीज़ समझा देता हूँ कि यार अब देख यार, हमें ना यहाँ पर यही चीज़ करनी चाहिए कि अगर वो जीत गया तो वही सब कुछ ले जाएगा, नहीं तो अगर हम जीत गए तो गाड़ी तो मैं लूँगा लूँगा, तो हम गोल्ड भी उसको थोड़ा बहुत दे देंगे, अगर जो तेरे पास आने वाला, थोड़ा देंगे, चल ठीक है थोड़ा देंगे। बाकी क्योंकि यार तूने भी बहुत ज़्यादा काम किया, तूने कितनी मेहनत की, तूने ही मुझे बताया कि ये गाड़ी कहाँ से हम चुराएंगे, तो वैसी बात है यार, तेरा तो हक बनता ही है। तो यार यहाँ पर देखो बैनी मान चुका है। बैनी मेरी बात सुन, अब यहाँ पर देख तू मान तो चुका ही है। अभी ना यार मेरा ना यार, मैंने ना अब यार कितने लोगों को देख लिया यार, अपना RDX हो गया यार, अपना क्या कहते हैं फ्रैंकलिन हो गया, एंड अपना ट्रैवर हो गया यार, ट्रैवर के थोड़े बहुत टैटूज हैं, फ्रैंकलिन के भी थोड़े थोड़े बहुत टैटूज हैं, एंड यार अपना जो RDX है ना भाई, उसके तो टैटू टैटू से भरा पड़ा है यार। मेरा भी मन कर रहा है टैटू वगैरह बनवाने का, तो यार तूने भी देख देख तूने भी टैटू बनवा रखे हैं, तो तेरा कोई जानकार है बढ़िया जो टैटू टैटू बनवाता हो, बता। ओके सो यार गाइस, यार यहाँ पर देखो बैनी मुझे कह रहा है कि हाँ यार यहाँ पर इसका एक जानकार है, तो हाँ फिर चलें यार वहाँ पर चलते हैं, आजा मैं अपनी BMW निकाल देता हूँ, उसी में चलते हैं, क्योंकि स्काईलाइन तो गाइस यहीं पे खड़ी रहेगी। बाकी आप सभी को ना मैं घर पे दिखा भी देता हूँ अपना, देखो चैनल का गाइस लोगो है, और यहाँ पर अपनी सिक्योरिटीज की फोटोज़ मैंने गाइस इस घर में लगवाई थी। पहले क्या सोचा था कि अपनी फोटोज़ वगैरह भी लगवाएंगे, बट नहीं, यहाँ पर देखो अपने सब्सक्राइबर्स की फोटोज़ नहीं लगी, अपनी सिक्योरिटी की ज़रूरत लग गई, और ना ही मैं इन फोटोज़ को हटवाने वाला हूँ यहाँ से, तो इसीलिए ये घर पे तो गैस सिक्योरिटी की फ़ोटोज़ ही रहने वाली है। अब जो गैस मैं नया घर लेने वाला हूँ ना, उसमें सोच रहा हूँ कि अपनी फ़ोटोज़ लगवाऊंगा, और मजबू मेंशन के अंदर ना गैस आप सभी सब्सक्राइबर्स की ही फ़ोटोज़ लगेंगी। हाँ गाइज, आपकी रिक्वेस्ट पे मैं उस घर में भी जाऊंगा, बट अभी कुछ टाइम तक तो गाइज मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तो गैस को गाइज, आप ही गाइज हम लोग ना अपनी BM को लेकर ना निकल चुके हैं। अभी किधर को जाना है, तो गाइज इसने देखो यार मैप ना वगैरह ये लगा रहा है, बस ये कह रहा है अभी ना यहाँ से सीधा लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं गाइज, अभी जहाँ पर भी हमें ये लेकर जाएगा ना, वहाँ पर जाके फटाफट से ना हम लोग ना टैटू ना बनवा देंगे, एंड वो ही हमारे लिए ना गाइज बेहतर रहेगा। गैस को गाइज गाड़ी को ना फटाफट से ना हम लोग ना भगाते हैं, एंड चलते हैं गैस इसी के फ्रेंड की गैस टैटू शॉप पे, जहाँ पर हमने टैटू बनवाना है। एंड भाई मैं ऐसे बताऊँ ना, बढ़िया से गैस अपनी बॉडी पे ना टैटू वगैरह बनवा देंगे तो यार अच्छा रहेगा, ठीक है हमारे पास, और वो जो भी ऑप्शन होगा उसके पास से देख लूँगा, जो भी बढ़िया ऑप्शन रहेंगे हमारे लिए वो गैस मैं बनवा दूंगा। चलो गैस फटाफट से ना हम लोग ना अपनी BMW का ना फुल गियर पर लगाते हैं, एंड भगा कर गैस चलते हैं फटाफट से टैटू वाली शॉप पर। लेट्स गो गाइस, यार यहाँ पर हम लोग ना देखो भाई पहुंचने वाले हैं इसकी फ्रेंड की शॉप पर। यहाँ से मुझे इसने कहा कि यार ऊपर तुझे कट गया ना, बाकी यहाँ पर हमारे क्या बढ़िया गाइस ड्रिफ्ट मारी इस गाड़ी के साथ। लेट्स ट्राई हियर गाइस, लेट्स गो गाइस। ओ भाई क्या भाई मस्त कैसे ड्रिफ्ट मार रही है यहाँ पर, और तेरी भाई मैंने देखा नहीं कैसे रेड रेड हो रखी थी, एंड मैं ऑलमोस्ट कैसे गाड़ी को ठोक नहीं पाया था, बट चलो कोई दिक्कत नहीं यार, भगवान की कृपा की वजह से हमारी गाड़ी नहीं ठोकी। और भाई नैनो वाले क्या कर रहा है यार यहाँ पर। लेट्स गो गाइस, यहाँ पर ना हम लोग ना देखो टैटू वाली शॉप पर ना पहुँच चुके हैं। क्या करते हैं ना,
यहाँ पर गाड़ी भगा देते हैं, बट ये तो टैक्सी जोन लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं यहाँ पर गाड़ी नहीं भगा सकता क्योंकि सामने भी देखो टैक्सी खड़ी हुई है। मेरे हिसाब से यहाँ पर हम लोग ना लगा सकते हैं क्योंकि टैटू शॉप ये रही ना, तो हम क्या करते हैं गाड़ी को ना यहीं पे लगा देते हैं। लेट्स गो। चलो भाई हमने थोड़ी ना लाइन के बाहर लगाई है क्योंकि गाइस यहाँ पर ना जो लाइन का जो सर्कल मेन होता है ना, जैसे वहाँ पर भी हुआ हुआ, ठीक है आप सब भी देखो एक पूरा ना डब्बा बना हुआ है, जैसे यहाँ से इस डॉट इस वाली लाइन से लेकर यहाँ तक गाड़ी बीच में खड़ी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कैसी ना गाइस ये वैन जो खड़ी हुई है ना भाई, ये इस रास्ते को ना गाइस रोक रही है, एंड इसको गाइस थोड़ा सा ना अलग जगह खड़ा होना चाहिए था। देखो यार अब मैं भी क्या कर सकता, तो मुझे यहाँ पर गाइस गाड़ी खड़ी करनी पड़ गई, एंड क्या पता गाइस इसके पीछे भी कोई गाड़ी आ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा गैप छोड़ दिया कि गाड़ी मेरी ठोक ना दे ये बंदा। तो अभी कहते ना फटाफट से ना हम लोग ना अंदर चलते हैं। बाकी मेरे सबसे बहन ही ना बात कर रहा है, क्या भाई अकड़ में क्या आ रहा है भाई, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है अलजा की। हल्का सा मैं जा रहा था एक्सक्यूज मी ये वो पुराना पता पता नहीं क्या बोल जा रहा था, अभी भाई धर के भाग गया, कुछ कहा ही नहीं इसने। लेट्स गो गाइस, अब छोड़ो यार इन चीज़ों को। यहाँ पर हम लोग ना देखो अंदर आ चुके हैं जी। ओके ठीक है ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ना देखो बेनी ने मुझे कहा कि अब ये तेरा टैटू वगैरह बनवाने वाला है, बनाने वाला है, तो तू अपने ना टैटू से तुझे दिखाएगा तो उस हिसाब से तू सिलेक्ट कर ले, ठीक है गाइस। अभी फटाफट से ना हम लोग सिलेक्ट करवा के ना टैटू यहाँ पर बनवा देते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कि यार मैंने यहाँ पर ना टैटूज वगैरह ना बना लिए। आप सभी देखो मैंने अपनी आर्म्स पर बनवाए हैं, अपने नेक पर बनवाए हैं, एंड मैंने अपनी चेस्ट और अपनी बैक पर और अपने लेग्स पर भी बनवाए हैं। देखो यार ये चीज़ तो मैं देखो अपनी घर जाकर यहाँ पर आप सभी को दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए देखो यार हमने ना इसको पेमेंट वगैरह कर दिया। देखो इसने ना देखो कितनी जगह टैटू बनवाया था, कम से कम इसने मेरे से लिए हैं देखो 75,000 है। तो गाइज एक टैटू के ना ये देता है 5 से 6 हज़ार, बट इसमें गाइज इसने ना बहुत सारा टैटू बनवाए हैं, तो इससे यार इसने ना बहुत ज़्यादा पैसे लिए। वैसे एक टैटू मीन्स छोटे टैटू का गाइज 6 हज़ार देता है, तो देखो यार मैंने पीठ पे बहुत बड़ा टैटू बनवाया। तो अभी कह गया ना देखो यार ये चीज़ तो मैं आप सभी घर पर जाकर ही दिखा सकता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं ना फटाफट से ना घर पर चलते हैं, एंड जाकर आप सभी को ना पहले मैं टैटू दिखाता हूँ, फिर यार भाई मुझे ना एके के पास भी जाना है। देखो एके के पास भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार उसने मुझे कहा था कि उसका ना थोड़ा काम वगैरह, और मुझे भी मैंने भी उसको कहा था कि मुझे भी थोड़ा बहुत काम है, तो मैं ये वाला काम ख़त्म कर लूँ फिर उसके बाद है ना हम मिलते हैं वगैरह, कोई नहीं दिक्कत नहीं। मैं पहले घर पर देखो पहुँच तो चुका ही हूँ, अभी जाते हैं फटाफट से अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, आप सभी को ना मैं दिखा दूंगा कि भाई मेरे कपड़े वगैरह ना यहाँ पर कैसे लग रहे हैं। फिर यार मैं एक एक को भी मिलने चल जाऊँगा। यहाँ पर देखो अपने ना घर पर आ चुके हैं हम लोग, एंड ना चलते हैं फटाफट से अंदर, एंड जाकर आप सभी को पहले मैं टैटू दिखाता हूँ, फिर गाइस हम ना थोड़ी देर ना यहाँ पर रेस्ट वगैरह करते हैं। तब तक ना मैं एक एक को मैसेज छोड़ दूंगा कि हाँ भाई तू फ्री हो गया, जब भी उसका मैसेज आएगा तभी गाइस मैं फ्री हो जाऊंगा। बट यहाँ पर तो देखो बैठा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो यहाँ पर चेंज वगैरह कर करना मैं करता हूँ ना फटाफट से ना, फिर हम चलेंगे नीचे वहीं पर जाकर रेस्ट वगैरह कर लेंगे। तो फटाफट से चेंज करता हूँ ना, आप सभी को मैं दिखाता हूँ। देखो गाइस यहाँ पर देखो मैंने टैटूज ना बहुत जगह ही बनवाई, पूरी बॉडी टैटू से भर दी। हाँ मैं बहनी कैसे वगैरह भाई टैटू, यार आप सभी पीछे वाला टैटू चेक करो एक बार, मेरा ये चेक करो भाई साहब, पीछे इतना बड़ा टैटू बनवाया ना इसके गाइस, इसने कम से कम भी 22 डॉलर 22,000 $22 नहीं $22,000 लिए हैं। एंड मैंने ना पीछे अपने दांतों पर भी बनवाए हैं, साइड पर भी अपनी आर्म्स पर बनवाए हैं, एंड अब मैंने ना अपनी चेस्ट पर भी बनवाए हैं, और आखिरी गाइस अपने नेक पर भी एक बनवा रखा आप सभी देख सकते हो, ठीक है ये वाला टैटू, ठीक है। और यहाँ पर बहनी भी कह रहा कि क्या बढ़िया टैटू यहाँ पर लग रहे हैं। देखो गाइस अभी ना मैं थोड़ा टाइम तो ऐसे ही रेस्ट करता हूँ बैठ के, बाद में ना अपना कोट पैंट वगैरह पहन कर ना यहाँ से निकलेंगे। बहुत टाइम से कोट पैंट वगैरह नहीं पहन रखा था मैं ना, कल देख रहा था अपना क्या कहते हैं एक एक गो यार वो कोट पैंट पहन के घूम रहा था ना, तो यार मैं ना थोड़ा ना अजीब सा हो रहा था कि यार मैंने को नहीं पहन रखा, तो आज ना जाकर ना मैं भी फटाफट से ना पहन लूँगा जब वो मुझे बुलाएगा कि हाँ भाई तू फ्री हो, मैं वो फ्री हो चुका है। देखो मैं तो यहाँ पर फ्री हो चुका हूँ, मैं ना फटाफट से ना उसको मैसेज भी छोड़ दूंगा और यहाँ पर रेस्ट कर देता हूँ। फटाफट से कैसे उसको मैसेज छोड़ता हूँ एंड रेस्ट करता हूँ, एंड जब तक वो उसका रिप्लाई आता है वो फ्री होता है, फिर गाइस उसको ना फटाफट से मिलते हैं एंड अपना ना घर वगैरह भी देखने चलते हैं। सो गाइस यार यहाँ पर हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, मैं ना गाइस यहाँ से ना निकल चुका हूँ अपने घर से। देखो यार मैं आप सभी को पता है घर पे ना रेस्ट वगैरह कर रहा था, बट यहाँ पर गाइस मुझे एक कॉल आ गया था रात को, एंड गाइस वो कह रहा है कि मैं ना तेरा ना वेट कर रहा हूँ स्विम सूट के साथ बीच पर, तो तू फटाफट से ना बस बीच पर ना पहुँच जा। देखो यार मैं M5 लेकर तो निकल चुका हूँ, बट यार मुझे यहाँ पर थोड़ा डर लग रहा है कि M5 यार बीच पर ढंग से चल पाएगी कि नहीं, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अब फटाफट से हम लोग क्या करते हैं ना भाई, हाईवे की तरफ अपनी गाड़ी को डालते हैं,
एंड चलते हैं सीधा बीच पे बाकी। यार अपनी रात को भी क्या गाड़ी मस्त लग रही है ना, आप सभी चेक करो इतनी खतरनाक गाड़ी। यार क्या गिफ्ट किया यार उसने मुझे, भाई मजा आ गया। अब देखो यार उसने मुझे बताया कि आगे ना टोल है, तो तू बीच के रास्ते से ही आई हो। अब देखो यार मुझे ना बीच के रास्ते से जाना पड़ेगा, बट यहाँ से जाएँ तो जाएँ कैसे, अब मुझे बिल्कुल भाई यहाँ पर समझ नहीं आ रही। वो देखो वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा। मैं क्या करता हूँ अपनी गाड़ी को ना लाइटें बंद कर देता हूँ अपने। मैं ना यहाँ पर फटाफट से ना देखो आ तो चुका हूँ। मुझे यहाँ पर वो ऊपर जाता हुआ देखा, मेरे हिसाब से ना वो देखने गया होगा क्या कहते हैं अपना ऊपर का अपने टोल वगैरह को। और अब देखो यहाँ पर इसकी एक बोट तो खड़ी हुई, बोट का इसने इंतज़ाम वगैरह यहाँ पर करवा दिया है। अब देखते हैं वेट्स को, गाइस ऊपर चलते हैं फटाफट से एंड जाकर ना मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर देखो टोल है। अब मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई देखे। ओ हाँ भाई क्या हाल चाल। अब मैं ऊपर जरा मैं टोल दिखा रहा था। अच्छा अब मेरी बात सुन, मैं आ गया, मेरी बात तो सुन। गाड़ी को कहाँ खड़े करूँ? गाड़ी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। रुक रुक रुक, उतर 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 उतर, मुझे पता लग गया तू बोट उधर को लेकर आ जा। अबे इधर, अरे वो पार्किंग में खड़ी कर देता मैं, इधर आ जा। अबे नहीं भाई नहीं नहीं। हाँ फिर टोल है ना। हाँ इसके जस्ट पास, यहाँ पर कोई नहीं गुजर रहा। चल चल ठीक है, लॉक कर दी ना गाड़ी। ओके अच्छा मैं कपड़े कहाँ है मेरे, फिर बोट के अंदर है? बोट के अंदर ही है। चल ठीक है मैं कपड़े पहन लेता हूँ फिर आ जा। गाइस मैं क्या करता हूँ ना फटाफट से ना यहाँ पर ना इसके ना बैग पड़ा हुआ है, मैं फटाफट से ना पहन लेता हूँ अपने कपड़े। तो गाइस यार यहाँ पर देखो मैंने ना कपड़े वगैरह तो पहन लिए हैं और भाई टॉर्च भी साथ में पहन लिया, बाकी मुझे नहीं पता कि वो किधर है। अच्छा वो आ रहा है। हाँ भाई हेलो। ओ हाँ बदल लिए, बदल लिए। मैंने पहन लिए कपड़े, रेडी हूँ, सही देख सही हूँ। ओ भाई तेरी टॉर्च कहाँ है? अबे अभी तो मैंने सूट और सिलेंडर पहना भी नहीं। अच्छा अच्छा चल आ जा फिर, किधर जाना है ये तो बता दे। मैं देख रेडी हो गया ना मस्त फुल, भाई रेडी मस्त हो गया यार मैं कपड़े वगैरह। चल फिर भगा इसको बोट को, मैं भी बैठ जाता हूँ। चलो आप भगाओ आप गाड़ी को भाई, मेरे पास गाड़ी वहाँ पर ना सेव रहे और मुझे नहीं कुछ चाहिए भाई। अबे हाँ हाँ कुछ नहीं होगा पागल। हाँ हाँ चल फिर अब चलते हैं फटाफट से ना। अरे हम नहीं भाई गाड़ी मिली है भाई, इतनी बढ़िया गाड़ी ऊपर से मेरी फेवरेट। क्या चीज़ है गाड़ी को लेकर इतना ज़्यादा पोसेसिव क्यों हो रहा है? अरे यार मुझे ना गाड़ी बहुत पसंद है भाई, इतनी पसंद है ना गाड़ियाँ। अच्छा भाई ये क्या है इधर? ओ भाई ये तो चेक कर, ये क्या है भाई, क्या गलत एरिया बना रखा है इधर भाई। ये सूट पहन ले तू भी। यही से मारनी है क्या? कहा इसके अंदर जाना है क्या? ये क्या पागल है क्या तू? मैं बता रहा हूँ ना तेरे को। हाँ हाँ ला सब पहले मैं सूट पहन। चल ठीक है ओके रेडी है क्या? चलो लेट्स गो। टॉर्च पहन ली ना? हाँ ठीक है बस। वैसे मैंने कहा था ना यार टॉर्च मेरी जाती है भाई, तुम आ नहीं रहा था पहले थीगे। थीगे। अब तो बढ़िया ना। अब जाना कहाँ पर है भाई? एक तुम स्विम तो करने भी नहीं आता मुझे ढंग से, स्विम नहीं करना तो तू पागल पागल है मतलब इतने डीप पानी में नहीं आता। अच्छा भाई इस घर में जाना है क्या? सामने जो दिख रहा है मुझे ये सामने ही है भाई, मैं तो ऊपर आ गया ना, नीचे जाना है क्या? चल अबे ऊपर एक बोट घूम रही है पुलिस की। ओ भाई भाई साहब यहाँ पर तो भाई दिक्कत हो सकती है। तू मेरे पीछे पीछे रह भाई बस, मैं पीछे ही हूँ तेरे। पत्थर इतने आ रहे हैं यहाँ पर तो, एक सेकंड बोट वगैरह तो नहीं घूम रहा ना यहाँ पर। ओ भाई शार्क, ओ तेरी शार्क, ओ तेरी वो रही लेफ्ट साइड में, उधर देख उधर उधर उधर। अबे वो रही वो रही वो रही लेफ्ट में, लेफ्ट में लेफ्ट में देख, इधर जिधर को मैं देख रहा हूँ ये देख, वो देख वो देख वो देख, वो रही वो रही वो रही वो रही। अबे इधर आना मेरे पीछे, किधर है तू टिक्की? अबे वही तो कह रहा हूँ उधर मत जा, इधर उधर मत जा, इधर वापस आ जा जिस तरफ को हम जा ही रहे थे। अबे ये कौन सी शार्क है? मैं रुक चाकू निकालूंगा अपना, रुक मुक्का निकालता रुक। ये कौन सी? अबे इसकी आंखें कैसी है ये? ओ भाई ये हथौड़े वाले मुंह वाली है। ओ भाई ये कैसी ये शार्क है? फ्रेंडली होती है भाई ये। अरे तो कुछ नहीं कह रही ये, तो कुछ नहीं कह रही, मैं वैसे डर रहा था इससे। हाँ तो पागल है ना इसलिए डर रहा है। अरे भाई इनको क्या भरोसा, आके काट गई हमें, हमने कौन सा कोई कपड़े वैसे पहन रखे काट नहीं सके। ये वाली शार्क कुछ नहीं कहती है भाई, आया चल चल फिर सही। और फिर सामने एक बोट है भाई, मैं पानी के अंदर से मुझे दिख रही है, मेरे सबसे पुलिस वालों की बोट है ये यार। ये
पुलिस वाले की वोट है फिर हमें तो भाई वैसे भी पानी के अंदर जाके ये काम करना है ना, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, नहीं, नहीं हमें निकल के ना उसके घर के पीछे वाले गार्डन में छुपाना है पगलेट आदमी। अबे तू तो कहता घर के नीचे लगाना है। नहीं नहीं घर के नीचे लगाना, घर के नीचे तो लगेंगे तो छूट जाएगा। अबे यार अब देखो एक मिनट ऊपर जाके देखना पड़ेगा, घर के पास पहुंचे क्या, पहुंच गए क्या हम? डर गया मुझे कोई आ गया यहाँ पर। एक सेकंड ऊपर चढ़ना पड़ेगा अब यहाँ पर है ना, बट यहाँ पर हमें ऊपर कैसे जाएंगे मुझे नहीं समझ आ रही। क्या वो जो कवर से आएगा भी लाइट जलता वो ऊपर दिखावे तू भाई। उतार दिया मैंने। ओके उतार दिया ना। चल चल उतार दिया मैंने, आ गया मैं। रुक एक सेकंड, किधर है? मैं ऊपर आ गया। ऊपर किधर है मुझे पता नहीं, तू किस साइड है? अबे यार एक तो ये चप्पल जो इन्होंने दे रखी ना स्विमिंग के, इससे मैं चल नहीं पा रहा ढंग से। यहाँ पर ही मैं छुपा देता हूँ तो यहाँ पर ना बेसिकली किसी को दिखेगा भी नहीं, समझ रहा है ना तू? हाँ हाँ समझ गया समझ गया। जब मैं पिछू ने कहा था बोट घूम रहे, मुझे बोट की आवाज आ रही है यहाँ पर। और ये कैसा सा घर है, ये इतना खतरनाक घर। लगा दे लगा दे लगा दे, इधर बम लगा दे फटाफट। ओ भाई यहाँ पर तूने सेल लगा दिया क्या? हाँ ये लगाने के बाद इसको एक्टिवेट भी करना होता है। अच्छा कर, अभी क्या अभी एक्टिवेट कर दिया तूने? हाँ मैंने एक्टिवेट कर दिया तभी तो इसके अंदर। ये करंट क्यों निकल रहा, खराब तो नहीं है ये? नहीं नहीं ये सिग्नल दे रहा है पागल, ला जा भाई। तो ऐसे तो देख लेंगे, इसकी ये चिंगारियां से निकल रही हैं। अबे नहीं दिन में इतनी जल्दी से नहीं दिखेंगी, रात को ही तो दिख रही हैं पागल, आ जा। चल फिर निकलने की करो और क्या है, फटाफट से फिर मैं वो अपना वो स्विम सूट सा पहनूं, वो वहां पर जो स्विम सूट कह रहा हूं वो अपना क्या कहते हैं पंप सा पहनूं, फिर निकलते हैं यहां से। यार पीछे से कुछ ज्यादा नहीं वो हो रहा देखियो? क्या चीज पता नहीं चल जाएगा उसको भाई, मैं वही तो कह रहा हूं चिंगारी बहुत निकल रही है यहां पर, दिक्कत हो जाएगी। अबे चल कुछ नहीं होता, इसलिए कह रहा पानी के नीचे लगा देते हैं बढ़िया रहेगा। पानी में कैसे भागेंगे? रुक जा मेरा स्विम सूट वो पड़ा, मैं उधर से लेकर आ रहा हूँ, रुक एक सेकंड रुक। ऑलराइट ठीक है चल तू लेकर आ, मैं लेकर आता हूँ एक मिनट भाई। अरे एक सेकंड, काले कपड़े पहन रखे ना, वैसे भी कौन सा दिखूंगा, इसे पेड़ के पीछे छुप गया मैं तो। आ जा। अबे काले कपड़े पहन रखे वैसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा पागल। हाँ रुक रुक, मैंने ये स्विम सूट मेरा इधर ही मैंने पहन कर रखा, फटाफट से पहन लेता हूँ। तो गाइस यार यहाँ पर देखो मैंने ना स्विम सूट पहन लिया है ठीक है, एंड अभी मैं क्या करता हूँ ना भाई, यहाँ से ना निकल जाते हैं। एक है तो गाइस यहाँ से ना निकल चुका है मेरे हिसाब से तो गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना वो दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, मेरे हिसाब से दूसरे तरफ को निकलना गया हो, तो इसीलिए गाइस अभी हम लोग ना हम यहाँ से निकल जाते हैं, एक के पास चलते हैं। तो गाइस मेरे हिसाब से गाइस आज की वीडियो का भी इतना ही है, जल्दी से जाकर ना इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड इस वीडियो का गाइस लाइक एम है 700 लाइक्स का, तो मुझे पता है कि गाइस आप सभी ने इस लाइक एम को जरूर पूरा करवाओगे, तो फटाफट से जाकर ना इस लाइक एम को भी पूरा करवा दो, एंड जो जो गाइस चैनल पर नए हैं वो लोग जाकर ना फटाफट से ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस इंस्टाग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी गाइस डिस्क्रिप्शन के अंदर गाइस दे रखा है, फटाफट से जाकर ना इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, क्योंकि गाइस मैं वहां पर वीडियोस के रिलेटेड गाइस अपडेट्स देते रहता हूं। एंड गाइस वहां पर अगर आप सभी ने कुछ भी क्वेश्चन मुझसे पूछना होगा मैं उसके भी गाइस रिप्लाई जरूर दे दूंगा, ठीक है गाइस, फटाफट से जाकर ना इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। तो गाइस आज की वीडियो का गाइस इतना ही, मिलते हैं गाइस नई और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस मेरी तरफ से सी यू अगेन।